हाँ भूपेंद्र जी आ रहे हैं, वो हो गए मेरी कॉल, वो भी ज्वाइन कर। आ चुके हैं, आ चुके कर दे सर, मैंने यहाँ से अनम्यूट आपको। सुरेश, हाँ जी सुरेश, सुरेश हाँ जी ठीक है। नहीं सर बस सुरेश चंद्रवाणी जी तो चेयरमैन है और मैं सेकंड। वेलकम राजेश जी, सुरेश जी हाँ जी सर, स्टार्ट करें सर। हाँ जी, हाँ जी प्लीज सर। आ चुके हैं सर सभी मेरे ख्याल से। राजेश जी वेलकम, नमस्कार सर। सर आपका नमस्कार राजेश गर्ग जी, बहुत बहुत वेलकम सर, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर आप उधर से। जी जी परफेक्ट, नमस्कार सर। हाँ आप आ रही सर। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। तो शुरू करें सर। हाँ जी, हाँ जी भूपेंद्र जी प्लीज स्टार्ट करो। ओके, आप सभी को मेरा नमस्कार और पानीपत ब्रांच की तरफ से आप सभी जो यहाँ पर जुड़े हैं प्रतिभागी, आप सभी का हृदय से वंदन और अभिनंदन। और आज हमारे साथ जो स्पीकर जुड़े हैं वो है मिस्टर आदित्य अग्रवाल, सी आदित्य अग्रवाल जी, और उनके साथ आज हमारा सौभाग्य देखिए, आज हमारे साथ अजय सिंगल जी सेक्रेटरी NIRC वो भी जुड़ गए हैं और एज ए चीफ गेस्ट, और एज ए चीफ गेस्ट हमारे साथ CA राजेश गर्ग जी हैं। बड़ा प्राउड फील होता है जब कोई CA और असिस्टेंट डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस GST डिपार्टमेंट में। और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर पानीपत ब्रांच की तरफ से, और अजय जी आपका भी सर पानीपत ब्रांच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत सर। आदित्य भाई आपका तो साथ हमें सदा मिलता रहता है और आप हमारे साथ ये GST जो महाकुंभ है सर, मैं अभी जो भी यहाँ पर कनेक्टेड मेंबर है मैं सबको इन्फॉर्म कर दूं, इसके इसमें काफी हद तक योगदान जो है आदित्य भाई जी का ही है। आदित्य जी ने काफी सपोर्ट किया कि आप एक इस तरह की सीरीज चलाएं इंडस्ट्री भाई, तो थैंक यू आदित्य भाई, आपकी वजह से आज इस महाकुंभ को, पहले लोग महाकुंभ गया में उसमें प्रयागराज में वहां देखने जाते थे, इस बार ज्ञान का जो ये महाकुंभ है वो पानीपत में लगा है सर। तो विद ऑल योर ब्लेसिंग, विद ऑल योर सपोर्ट सर, तो थैंक यू वेरी मच। और इस जूम की टेक्नोलॉजी ने सर ऐसा कर दिया कि अब जैसे वसुदेव कुटुंबकम एक संस्कृत में वर्ड है कि हम सबको जोड़ दिया, अब हमें कोई भी दूर नहीं लगता। आज दिल्ली से, राजस्थान से, और मेरे ख्याल से आज तो हमारे साथ कोई फॉरेन से भी है, पर्ल लेविस के नाम से कनेक्टेड है, तो आई डोंट नो इससे, बट चलिए हमारा सौभाग्य। और मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हैंड ओवर करता हूँ सबसे पहले हमारी ब्रांच के चेयरमैन CA सुरेश नंदवानी जी का कि वो हमारे गेस्ट का एक बार वेलकम करें। सुरेश सर ओवर टू यू सर। नमस्कार, इस GST के महाकुंभ में जो हमारा फोर्थ वेबिनार होने जा रहा है, इसमें मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं जी राजेश गर्ग जी, जो हमारी CA फ्रेटर्निटी से ही है, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट में है GST पंजाब J&K एंड लुधियाना। वो आप सोच सकते हैं कि उनका एरिया कितना वास्ट है, तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय सिंगल जी जो हमारे NIRC के सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में तो आप सारे CA ऑलमोस्ट जानते ही हैं। उसके अलावा आप आज के मुख्य स्पीकर है हमारे आदित्य अग्रवाल जी, इनका भी मैं पानीपत ब्रांच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया और हमारे इस महाकुंभ को बहुत ही सपोर्ट किया, जो कि GST में पहली बार हमारे पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, बल्कि कहो कि इंडिया में पहली बार हुआ है। तो मैं आपको सबका वेलकम करता हूँ और जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं तो उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।
थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर द काइंड वर्ड्स। और मैं सर एक बार जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं इनको एक बार सर थोड़ा इन्फॉर्म करूं कि ये जो सर हमने जीएसटी महाकुंभ चलाया है ये 14 टाइप ऑफ इंडस्ट्री को कवर किया है सर हमने इसमें। और आज हमारा जैसे फोर्थ डे है, आज हम बात कर रहे हैं जिस पर आदित्य जी डिलीवर करेंगे अभी, जीएसटी इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था सर वो था जीएसटी इम्पैक्ट ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेकंड था सर हमारा जीएसटी इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स बिजनेस, एंड थर्ड जो हमारा गया वो सर रहा जीएसटी इम्पैक्ट ऑन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और सर आप सभी के सहयोग से हम इस महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड टू मिस्टर अजय सिंगल जी सेक्रेटरी एनआईआरसी कि वो सर एड्रेस करें एक बार। वेलकम अजय जी। GST Mahakumbh today being the fourth webinar of this, and this is a very great initiative by the branch. और आदित्य जी sorry सुरेश जी और भूपिंदर जी, अच्छा लगता है मेरे को जब पानीपत आने का मौका मिलता है बिकॉज यू गाइस गॉट वेरी गुड ऑडिटोरियम देयर। तो जब भी मुलाकात हुई है तो ऑडिटोरियम में हुई है, तो आई थिंक वेरी नाइस प्लेस, गुड लोकेशन, तो ग्रेट प्लेजर टू बी देयर ऑल टाइम। बट नेवर्थलेस सिंस वी ऑल आर इन लॉकडाउन एंड फॉर लास्ट 3 months आई थिंक नाउ द जूम हैज बिकम द रियलिटी ऑफ द डे। As we know, there is some when there is challenges, there are opportunities also. So finally, we got the opportunity through this Zoom. And मैं आदित्य भाई छोटा अपना छोटा भाई है, इसका भी मैं encourage करूँगा कि GST में ऐसे आगे बढ़ते रहे आदित्य, और हम सभी का साथ में अगर GST में जितना भी आप जो because this is a new field और जितना भी आप इसमें research करेंगे जो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने जो राजेश जी हैं assistant director जीएसटी, आई डोंट नो आदित्य राजेश जी आप कहाँ पर प्लेस हैं, पंजाब जम्मू पंजाब और चंडीगढ़। तो मैं अपना आपका नंबर जरूर लूंगा भूपिंदर जी से, कभी आप मुलाकात होती है तो चंडीगढ़ मुलाकात करेंगे, आना होता है। इसी तरह प्रोग्राम अरेंज करते रहिए और अपने जीएसटी में जो सीए ब्रदर्स है उनको जरूर इन्वाइट कीजिएगा। और जहाँ तक ये लॉकडाउन का सवाल है, I hope कि now the offices have started to open, but मैं फिर भी कहूँगा कि जितना भी distance आप maintain कर सकते हैं, please keep maintain your distance, physical distance, stay safe and stay updated. So this is a great initiative by the branch to get all these members updated through this Zoom and conducted 20 days this Mahakumbh. And it's a very tedious job, I can tell you. Managing webinars for 20 days is very difficult. But nevertheless, you have taken the this challenge. So I will say good luck to you all guys. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you for the kind words. Now I move to CA Rajesh Garg, the chief guest of today's program. Rajesh ji, welcome, sir, and over to you, sir. First of all, अरे क्या हो गया? Light चली गई क्या? अरे यार के लाइट ना बंद करो यार। So it is not a matter of proud for Indian firms कि हम इतना professional इतना मेहनती होते हुए भी we are not getting our space in professional world. We have to introspect. But I do not want to demoralize only by doing this. I want to go ahead with another step which will be motivating an opportunity for Indian firms. मार्च में एक सर्वे हुआ था विद ऑल द बिग इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया स्पेशली आफ्टर आईएलएस ऑन दिस केस, एंड दिस आई थिंक सर्वे देन वाज डन बाय दिस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सर्विसेज। सो यू नो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट सर्वे,
that 57% of now big investors and sell side analysts said you will now no more rely over big four audit reports. So now it is like an opportunity which have been opened up for the firms. But the question is, are we ready to accept this opportunity? Or are we have such a wonderful professional experience and the capability to adopt this or not? Or it will be just like a waste and then the big force will simply adapt this opportunity again. So I want to share 4-5 points I think on which our Indian firms should work. And because first point is that we have to break this glass ceiling. The glass ceiling is that we have struck our firms to only the compliance part. If we will file GST returns, tax audits, scrutiny and nothing, and we have like made it and we are satisfied with these works only. We are not thinking that we can break the glass ceiling and enter that professional era. And I have great hope with the young Indian CA firms that which can, I think, can have vision and can break. So I want to share 4-5 points on this topic. Maybe it is irrelevant with the GST, but I hope that it may feature the, our future also of Indian firms. So first point I want to share is that we have to go for global tie-ups. And why I'm saying this? Because you have to understand the client's requirement. Today is the world of like global supply chain management. In global supply chain management, what happens that every big company have a geographical presence around like 20-30 countries. Kisi country mein manufacturing kar raha hai, kisi country mein warehouse hai, kisi country mein accounting ho raha hai, kisi country mein like export office hai. So agar aap client ke perspective se soche to they cannot appoint individual firms in each country. Because ultimately consolidation to karna hi accounts ka, then it will be impossible task to coordinate with such huge number of independent CA firms. For them, it's like an obligation to appoint the big four because they are the only firms which have presence all over the world. And I am talking of presence, I am not talking of their offices. Because these big four also have presence through tie-ups only. Like when they entered India, they also did tie-ups with Indian firms only. Similarly, our Indian firms should also think of tie-ups with the global firms so that they can present themselves that we can do your work. And now this technology can help them a lot. Now LinkedIn is there and institute should also like try to hold some webinars in which international firms can participate, in which the people can lobby with each other, know each other, and then can have tie-ups. बट ये वही है कि हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. हम अगर यही सोच रहे नहीं कि हमारा तो पेट भर ही रहे ना जीएसटी रिटर्न फाइल करके, थोड़ा बहुत टैक्स ऑडिट करके, स्क्रूटनी करके, तो फिर तो चलता ही रहेगा ऐसे ही. बट इट इज लाइक सेम फॉर इंडिया दैट वी हैव सो मच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सो मच इंडियन फर्म्स, बट वी आर नॉट प्लेसिंग अवर सेल्फ इन द इंटरनेशनल ऑर्डर. लाइक इफ यू टॉक ऑफ टॉप 20 इंटरनेशनल फर्म्स, अवर नो इंडियन फर्म्स विल एंटर इन दैट टॉप 20. Such good companies in India, such good market capitalization, even then we are nowhere. So first, I think we should go for global tie-ups. Second, I think this is my personal point that we should start charging the remunerative fees instead of competitive fees. Because you know, when we see that cheap Chinese product, first perception what comes to our mind? That there will be compromise on quality. So we have to learn to refuse the work. मेरे बगल वाली फर्म ने तो 10,000 कोट कर रखे, तो चलो मैं 8,000 में ही कर दूंगा. I have seen examples where MNC have refused the works to Indian firms because they have quoted very less fees. And there are other allied points. Now, if you quote less fees, then how you pay the good salaries to your staff? Then you will not be able to hire good quality staff. You will not be able to develop good infrastructure. You will not be able to develop good systems. So it is like a spiral. If you break one point, then only you will be able to complete the spiral. Otherwise, तो ऐसे ही चलता रहेगा कि हम कम फीस चार्ज करते रहेंगे, क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज होता ही रहेगा. ये तो देखो एक फैक्ट बात है. फिर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उस पर टाइम देगा ही नहीं ना, फिर तो आर्टिकल ट्रेनिंग आएगा, काम कंप्लीट कर आ जाएगा. So, and third,
I feel that we should start developing some teams in the teams itself, like at least for the medium firms or the big firms, so it should be mandatory that they should have some internal independent quality teams, like Big Fours have. Like Big Fours, there is like audit is done by Gurgaon branch or the Mumbai branch, but they will have this independent technical team sitting in Hyderabad, which will do their quality review of their professional works. Like if some team has done audits, the Hyderabad team will see whether they have done the audit as per quality standards fixed by Big Four or not. So similarly, Indian firms should also do this, so that the team who is doing audit will also have thing. उसके माइंड में भी रहेगा ना कि कोई और भी चेक करेगा मेरे ऑफिस का, उसके बेस पे मेरा रेम्यूनरेशन भी फिक्स होगा, उसके बेस पे मेरे को सब कुछ मिलेगा. एंड देन वी कैन मार्केट इट ना कि हमारे पास ये एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी टीम है जो हमारे ऑडिट टीम्स का क्वालिटी ऑडिट करती है, या फिर इस तरह. तो क्लाइंट के माइंड में भी रहते हैं कि हाँ, दीज आर द प्रोफेशनल फर्म जो इस तरह से क्वालिटी एंश्योर कर रहे हैं. एंड वही गुड, देन आई थिंक दैट वी शुड स्टार्ट गिविंग गुड रेम्यूनरेशन टू द स्टाफ and hiring good quality staffs, so that it will motivate. And fifth point, which may offend you also, but even then I will try to say this point with humility, that we have to develop the perception of professionalism and integrity as compared to the Big Fours. I am not talking of the absolute terms, I am talking in the terms of comparativeness. When an independent person see the two firms, one is Indian firm and another is the Big Four firms or the international firm, they will simply say that the international firm will work more professionally and with more integrity. Maybe Indian firms are more professional and integrity, but it is a question of perception which has been built around the Indian firms, and even which is made by us only. It is not made by outsider. We ourselves have made this perception of Indian firms that they may not work professionally. Because we are the same who are sitting beside all two sides of the tables. We are the same who are working in the corporates as Indian CAs, and we are the same who is working in the Indian firms. So, agar maan lijiye MNC ka management ko agar किसी फर्म को हायर करना है, तो फर्स्ट फीडबैक वो किससे लेगा? वो तो इंडियन CA जो उसकी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं उसी से लेगा. एंड अगर वो ही हमारा परसेप्शन फीडबैक अगर अच्छा नहीं देगा इंडियन फर्म्स का, तो उसको कैसे हायर करेगा कोई आउटसाइडर? सो वी हैव टू वर्क अपॉन दिस परसेप्शन फील्ड, इन विच इंस्टीट्यूट शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन इट्स डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, एंड वी ट्राई टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस दैट अवर इंडियन फर्म्स वर्क वेरी प्रोफेशनली. एंड सिक्स पॉइंट, आई थिंक लाइक दिस बिग फोर फर्म्स डू एडवर्टीजमेंट, हिडन एडवर्टीजमेंट्स, whereas Indian firms are barred from any kind of advertisements by the institute. Like you see these Big Fours, what they do big seminars, big media programs. What it is also in a kind of advertisement, maybe here is a hidden advertisement, but Indian firms are nowhere. So how people will know about Indian firms? But now I think this Zoom webinars and this kind of things can create a play a role for Indian firms to advertise themselves through these technical sessions and all this, what these Big Fours are doing. So I think with all these points, I want to thanks and say best wishes to all our chartered accountants. And thank you so much for giving me time to share my ideas with you. Maybe it is irrelevant, or maybe it may be offending to someone, but Rajesh ji, it's not irrelevant. I think you have touched a very good point that we have to think big, we have to charge good amount of fee, we have to recognize our potential as a professional, and we should not look for the throat cutting like competition among our brotherhood. Right. I think it's a very valid point which you have raised, and I think we all should introspect about it. And one more thing I would like to have, when you are adding the names of Big Four or Big Five or Big Six, basically multinational accounting firms, consultancy firms, we all have to think about it that we can also rise to these levels. Right. Provided that we have the mindset. Problem with us is that even we are going for the partnership, bigger partnership of 2 or 3%, we see small interests in our small interest, and we are just stuck up in those small interests only. So that we have to forget about those small interests, and we have to think big,
And the institute has also permitted us as a chartered accountant, we can also run our consultancy for a company, private limited company, that is called practice in the corporate form. And for this, the only that practicing chartered accountant can do it. Let's say I am a partner of some firm. I can go with partnership with you. In this case, I can go as a directorship along with you also, if you are having the certificate of practice, UOP. So there is no bar, only those partners which are presently doing a partnership firm for this practicing in partnership firm can only be directors in that company. So we have other opportunities, and I think Bhupender ji or Nanwani ji, kabhi isme chalna karte main practice in corporate firm pe main bolta bhi hu main. So kabhi bhi ek ghante ka mere ko aap time de denge to main pura explain karta how to go about while you can become a, you can incorporate a company, provide a consultancy to the industry as a whole or chartered accountant. So there are a lot of opportunities are there. So you can also think about that, and in that case, how do you charge the fees? I can cover all these things. So Rajesh has touched upon a very good point, and that is, I think, that we all chartered accountant must think going forward. थैंक यू वेरी मच सर. तो बोथ ऑफ यू और आपने इतना अच्छा हमारे को गाइड किया सर. यही फायदा होता है. देखिए महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ का असली अर्थ तभी निकलता है जब आशीर्वाद के साथ साथ ना हमारे को डांट भी पड़ती रहनी चाहिए. हम छोटे हैं अभी, तो हमारे को डांट पड़ती रहेगी तभी हम सही से काम करेंगे. थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. राजेश सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और यहाँ पर तो बताने का फायदा ये भी है ना कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अजय सिंगल जी, NIRC मेंबर बैठे हुए. तो जो आप बताएंगे जो इंस्टीट्यूट लेवल पे होगा तो उसको टेक अप भी करेंगे सर. और आप सबका सर बहुत बहुत धन्यवाद. नाउ आई स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड टू मिस्टर आदित्य अग्रवाल जी, द स्पीकर ऑफ चीफ स्पीकर ऑफ टुडे प्रोग्राम GST इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. जी आदित्य जी, इट्स ओवर टू यू. थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी. थैंक यू सर. Good afternoon, everyone. I think Panipat branch is doing a tremendous job in educating their members. पहले GST certified course, उसके बाद GST महाकुंभ, अब पता नहीं आगे सुनने में आ रहा है robotics का भी कुछ चलाने वाले हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप इतना पेन ले रहे हो, स्पेशली पानीपत ब्रांच, सुरेश जी, मनदीप जी, योगेश जी, भूपेंद्र जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. सो थैंक यू सर जी, एंड थैंक यू सो मच. सुरेश जी और भूपेंद्र जी को GST के आगे भी कुछ स्पेस है या ओनली GST तक? नहीं नहीं सर, आपको बुला रहे हैं ना सर, आपको बुला रहे हैं अभी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पे. हमें पता है सर आप इंसॉल्वेंसी हमें पता है सर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पे करवाना चाह रहे हैं. पापा के साथ बहुत बार मिला हूँ, उनकी वाइफ भी CA है, तो एक तरीके से परिवार जैसा लगता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट राजेश जी, आई वुड से ही इज लाइक माय बिग ब्रदर, सो आई वुड से राजेश भैया. So thank you so much for sparing your valuable time, and जो आपने आज हमें 15 minutes में हमारे profession के बारे में बताया है, उसको आप कमियां भी कह सकते हो या improvement का scope भी कह सकते हो. तो I like to add upon one thing. I also told you Bhupender ji that today I will be discussing one important opportunity, a professional opportunity that only top 10 firms are doing right now in the country. So aaj ka mera motive, Rajesh ji ne bade acche tarike se usko ek disha de di hai. Unhone kaha ki tax audit, income tax return, GST return se aage badhna hai sir, aur aaj main aapko wahi cheez batane wala hu. There is a new concept imports mein jo specifically Panipat ke liye bahut important hai, because Panipat mein bahut sare इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, देयर आर ह्यूज इंपोर्टर्स इन पानीपत. तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है,
मैं ऑलरेडी ये कर रहा हूँ अपने लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए और बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए, और ये एक बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है अदर देन योर नॉर्मल रूटीन। सर हम सबको पता है एक्सपोर्ट्स डाउन हो रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड। रिसेंटली कल सुशांत सिंह राजपूत का हमने किस्सा सुना, ही वॉज अ वेरी यंग एंड अ डायनामिक एक्टर, और दिखने में कुछ और था और अंदर से कुछ और था। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है सर आज के सिनेरियो में। सो आई विल स्टार्ट टुडे सेशन बाय आई वुड लाइक टू से अ स्मॉल शायरी कि सर चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आप तो सर, अच्छे मुसाफिर के साथ साथ अच्छे वक्ता भी और अच्छे शायर भी हो। तो सर ये 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 शायर मैंने इसलिए सुनाई है शायरी कि हमें आज की डेट में सर पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, जीएसटी से भी ज्यादा, किसी चीज से भी ज्यादा। सर पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, नॉलेज आती रहेगी जाती रहेगी, बट हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। सो By this saying, I like to start today's session. So, Bhupinder ji, can you just share my screen along? Allow me to share my screen. Yes, sir. Now you can share. I will allow you. Just. I think it is visible, sir. Visible, sir. Visible. Okay. Right, sir. So today's topic is import and exports under GST. Sir, imports, exports, हम सबको कहीं ना कहीं पता है, कोई नई terms नहीं है। तो आज जो हम discuss करेंगे वो कुछ नई terms होंगी, कुछ technical चीजें भी होंगी, कुछ basic चीजें भी होंगी, और most importantly जो मैंने आपको बोला है एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी होगी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज के टाइम पे हम सब लोग बिजी तो हैं, बट वो कितना रेम्यूनरेटिव है वो हमें नहीं पता। तो मैं एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी इस वेबिनार में पार्टिसिपेंट्स हैं, अराउंड मोर देन 75 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको कहीं ना कहीं होगा कि कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई नया बिजनेस मिले, तो मैं उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। तो सर आज जो हम इम्पोर्ट्स में कवर करेंगे, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, वैल्यूएशन, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, हाईसी सेल, बॉन्ड सेल्स, थर्ड पार्टी सेल, और जो मैंने आपको बोला था अपॉर्चुनिटी, एईओ सर्टिफिकेशन अंडर कस्टम्स। सर ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर करके एक स्कीम है कस्टम्स में, जो कि बहुत पुरानी स्कीम है, बट ड्यू टू आर लैक ऑफ अवेयरनेस हम उस चीज को सेल ही नहीं कर पा रहे। और टॉप 10 फर्म्स ड्यू टू देयर रिसोर्सेज, लार्ज रिसोर्सेज, लार्ज ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉलेज बेस, उस चीज को सेल आउट भी कर पा रहे हैं। आप सर इसके बारे में जब जानेंगे ना, तो आपको पता चलेगा सिर्फ 400 कंपनियों के पास ये लाइसेंस है पूरे इंडिया में, और ये स्कीम 2016 से एक्टिव है, बट इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। राइट सर, सर क्वेश्चंस भी हम साइड बाय साइड ले सकते हैं, भूपेंद्र जी आई थिंक वो मॉनिटर करेंगे, और एंड में भी कोई क्वेश्चंस रह जाएगा तो हम उसको ले सकते हैं। सो सर चैट बॉक्स में मेरा ध्यान नहीं होगा भूपेंद्र जी, वो आप देख लीजिएगा सर। मैं सर साथ में हूँ आपके पास। अब सर बात करते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की। अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 ऑफ द IGST एक्ट कहता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स मींस ब्रिंगिंग गुड्स टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, सिंपली। और ये वर्ड IGST में लिखा है बिकॉज जब आप इंपोर्ट करते हैं, हम सब जानते हैं एक तरीके से तीन टाइप के टैक्स हैं जीएसटी में,
CGST, Central Goods and Service Tax, SGST, State Goods and Service Tax, and IGST, Integrated Goods and Service Tax. तो जो IGST होता है वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन पे होता है, राइट? और जो CGST, SGST होता है वो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन पे होता है. अब IGST एक्ट में ये लिखा है कि जो इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन है वो इंटरस्टेट का ट्रांजेक्शन है, इंटरस्टेट सप्लाई है. इसलिए हमेशा जब भी इंपोर्ट होगा तो जो GST लगेगा, सपोज अगर 18% है, हम आगे देखेंगे पूरे एग्जांपल से, एक सैंपल भी मैंने बनाया है कि कैसे कैसे टैक्स लगता है. तो व्हेन एन इंपोर्टर इज इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उस पर जो GST लगेगा दैट इज IGST. सो इफ द रेट इज 18%, अगर CGST, SGST लग रहा होता तो 9% लग रहा होता, राइट? अब GST लग रहा है तो कस्टम्स भी लग रहा है सर, क्योंकि इंपोर्ट्स कहीं ना कहीं कस्टम से भी आ रहा है. तो जो IGST लगता है दैट इज ओवर एंड अबव द कस्टम ड्यूटी, राइट? और अगर हम बात करें GST कंपनसेशन सेस की, वो लेवी हो सकता है लग्जरी और डीमेरिट गुड्स पे एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बेसिस, राइट? अब हम उसका थोड़ा डिटेल में समझते हैं. ये मैंने आपको बताया, जब आप इंपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स को तो तीन टाइप के टैक्स लगते हैं. बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम से आ रहा है. IGST जो मैंने आपको बताया, ये GST लग रहा है. कंपनसेशन सेस अगर लगेगा तो, प्लस इसमें एक एजुकेशन सेस भी लगता है, वो हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम अगर बात करें वैल्यूएशन की, एक बार हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक एग्जाम्पल है कि वो कैसे कैसे एक्चुअली में टैक्स लगता है. तो जो वैल्यू लेनी है इंपोर्ट्स की फॉर द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, तो उसमें जो टैक्स लगेगा GST का, दैट विल बी ऑन द एसेसेबल वैल्यू जो कि इंपोर्ट की वैल्यू है, प्लस कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी. तो जो IGST लगता है वो वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगता है. और वही अगर हम सेस की बात करें तो वो लगता है वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी पे, GST पे नहीं लगता. और अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करें तो वो भी IGST के लिए लगा जाता है. अब मैं इसको आपको डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. सर आराम से इसको देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सेशन करेंगे. अपने बेसिक को क्लियर करें सर, टेक्निकल कोई भी आदमी पढ़ के कर सकता है, बट जब तक उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे ना सर. जैसे अगर किसी देश की फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो वो देश ज्यादा लंबा नहीं चल सकता. हमारे हिंदुस्तान का फंडामेंटल स्ट्रांग था डीमोनेटाइजेशन, झेल गया. फंडामेंटल स्ट्रांग था GST, झेल गया. अब हो सकता है कोरोना भी झेल जाए. तो फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए. टेक्निकल आप कभी भी कर सकते हो. आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग पढ़ लीजिए, आप हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लीजिए, आप टेक्निकल हो जाएंगे. वो भी मैं आपको आज पढ़ा दूंगा, बट उससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, राइट? तो अब इस एग्जांपल में हमने ले लिया कि जो एसेसेबल वैल्यू थी वो 100 रुपीज थी, और जो BCD थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो 10% है. एजुकेशन सेस 3% है, इंटीग्रेटेड टैक्स 18% है, और कंपनसेशन सेस 15%. तो जो आपकी बिल ऑफ एंट्री होती है उस पे कैसे कैसे टैक्स लगता है वो, ये मैंने आपको जो चार्ट दिया है उसके हिसाब से लगता है. एसेसेबल वैल्यू 100 रुपीज, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी उस वैल्यू के ऊपर 10 रुपीज, एजुकेशन सेस लगा कस्टम ड्यूटी पे ऊपर, वैल्यू फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स. तो जो इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है, जो GST लग रहा है, वो वैल्यू पे लग रहा है, कस्टम ड्यूटी पे लग रहा है, प्लस सेस पे लग रहा है. पिछले वाले चीज में मेरे पास एजुकेशन सेस नहीं था, तो एजुकेशन सेस वैल्यू और कस्टम ड्यूटी के मिला के ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है. 110.3 आया, उसके ऊपर 18% लगा. वैल्यू फॉर कंपनसेशन सेस, उसकी अगर हम बात करें तो उसने एसेसेबल वैल्यू ले लिया, कस्टम ड्यूटी ले लिया, और एजुकेशन सेस ले लिया. कंपनसेशन सेस लगा 15%,
अकॉर्डिंगली अगर आप बी सी ई जी को ऐड कर देंगे ये टोटल ड्यूटी लगती है। आई थिंक ये क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, राइट right? मैं आगे चल सकता हूँ। अगर किसी को कोई भी इशू होए तो आप मेरे को प्लीज चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं भी उसको देख पा रहा हूँ। बात करते हैं आईटीसी की। सर डेफिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स इज डिफाइंड अंडर टू सबसेक्शन 62 ऑफ द जीएसटी एक्ट, राइट, जिसमें उसने इंटीग्रेटेड टैक्स जो आप इंपोर्ट पे देते हो प्लस कंपनसेशन सेस जो देते हो वो एक इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। इसका मतलब जो इंपोर्टर है जो वो आईटीसी पे करता है, आईजीएसटी पे करता है, कंपनसेशन सेस पे करता है, वो उसको यूज कर सकता है टू पे ऑफ हिज आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, राइट। बट हमें उसमें चीज का क्या ध्यान रखना है, जो कंपनसेशन सेस का आईटीसी होता है वो अगर आप कोई कंपनसेशन सेस चार्ज कर रहे हो अपने सेल पे सप्लाई पे तभी वो यूज हो सकता है। अनलाइक आईजीएसटी जो आप सीजीएसटी एसजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी से सेट ऑफ कर पाते हैं, कंपनसेशन सेस का जो आईटीसी है अगर आपने इंपोर्ट पे दिया है तो वो सिर्फ आउटपुट के कंपनसेशन सेस से ही सेट ऑफ हो सकती है, राइट। लास्ट जो कस्टम ड्यूटी होती है और एजुकेशन सेस आपने जो पे किया है दैट इज योर कॉस्ट इंपोर्टर के लिए, उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, तो वो आपकी टोटली इंपोर्टर की कॉस्ट का पार्ट बनता, राइट। अब सर अगर हम रूल की बात करें तो क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए? अगर आप आईटीसी के रूल्स देखेंगे रूल नंबर 36 तो उसमें वो कहता है कि बिल ऑफ एंट्री, तो अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री है तो उसके बेसिस पे आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ऑल्सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो न्यू रिटर्न सिस्टम है वो डेफर हो गया, नहीं तो जो RET 1, RET 2, RET 3 था सहज सुगम था, अगर आपने उस फॉर्म को देखा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं बात थी कि जो आइस गेट है और जीएसटी का पोर्टल है वो उसको मर्ज कर रहे हैं, और जो आप इंपोर्ट करेगा कोई इंपोर्टर तो उसके वो ऑटोमेटिकली वहीं आइस गेट से वो उसको फेच कर लेगा और वहां पे वो एक तरीके से टू वे की तरह इनपुट दिखनेगा। बट अभी तक ये चीज इंटीग्रेट नहीं हुई है, नया सिस्टम भी डेफर हो गया, प्रेजेंटली जो सिस्टम है उसमें ये चीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो टू वे की हम रिकंसिलेशन करते हैं उसमें जो इंपोर्ट की फिगर है वो टू वे में नहीं आती है, उसको आपको अलग से टू वे आइस गेट के पोर्टल से फेच करना है और उसको उससे मैच करना है। टू वे की जो आप रिकंसिलेशन करेंगे उसमें आईजीएसटी बिल ऑफ एंट्री का नहीं दे, राइट। और अभी रिसेंटली सर्कुलर भी आ गया दो तीन दिन पहले जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपको रिफंड मिलता था जीएसटी का उसमें बीच में सर्कुलर आ गया था कि जो टू वे में आएगा सिर्फ उसी का ही रिफंड मिलेगा आपसे, बट उसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जो रिवर्स चार्ज के इनवॉइसेस हैं जो टू वे में नहीं दिखता या जो इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन है जो टू वे में नहीं दिखता उसका रिफंड नहीं मिल पा रहा था, तो सरकार ने क्लियर किया, बोर्ड ने क्लियर किया कि जो रिवर्स चार्ज के इनवॉइसेस हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के आईएसडी के इनवॉइसेस हैं, इंपोर्ट के बिल ऑफ एंट्री के इनवॉइसेस हैं दैट आर नॉट शोन इन टू वे उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा, आप उसको अपलोड कर देंगे, राइट। सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें सो इट इज वेरी सिंपल। प्लेस ऑफ सप्लाई में मैं आप अगर इस डायग्राम को ही देख रहे होंगे तो उससे ही आपको वो चीज बड़ी क्लियर हो गई होगी कि यूएसए से अगर गुड्स माल इंपोर्ट हो रहा है, गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं डेल्टा जो कि इंडिया में है एक यूनिट, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर होती है। अकॉर्डिंगली इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, आईजीएसटी लगेगा। आई थिंक इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी किसी को नहीं हो। आई एम गोइंग वेरी स्लो, किसी को कोई भी इशू है तो प्लीज आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं। सर अब थोड़ा फंडामेंटल्स आपने समझ लिया है, अब मैं थोड़ा आपको टेक्निकल बता रहा हूं। सर जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट सेकेंड।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर. अब अगर हम बात करते हैं कुछ इश्यूज की, अब सर मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाऊंगा सर. मैं आपसे कुछ हाई कोर्ट की जजमेंट भी डिस्कस करूंगा और कुछ मैं आपसे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग भी डिस्कस करूंगा, राइट सर. हम सब जानते हैं नोटिफिकेशन 13/2017 सीरियल नंबर 6, उसमें वो क्या कहता है कि जो इम्पोर्टर है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराना पड़ेगा अगर उसने कोई सर्विस ली है, सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल, यानी कि जो गुड्स आ रहे हैं वो वेसल से आ रहे हैं, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, राइट सर. तो जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है. रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो रिसीपेंट है उसको टैक्स जमा कराना होता है, ना कि सप्लायर को. नॉर्मली क्या होता है कि जो सप्लायर है वो जीएसटी का बिल रेस करता है और टैक्स जमा करा देता है रिसीपेंट से कलेक्ट करके. रिवर्स चार्ज में उल्टा हो जाता है. तो इसमें सर आप ध्यान देंगे कि जो रिसीपेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है वो कौन होता है, जो कंसिडरेशन पे करता है. बट इस स्पेसिफिकली अगर आप एंट्री को देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो उन्होंने लिखा कि इम्पोर्टर को पे करना है, राइट. अब आप इस चीज से समझिए, आपको समझ में आएगा. ये दो ट्रांजैक्शन है, एक सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है. पहले शांति से आप समझिए कि सीआईएफ और एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट. क्रक्स में समझिए, शॉर्ट में समझिए और डिटेल में, और उसको एक एक चीज को समझिए. जो एक्सपोर्टर है वो जॉन यूएसए में है, एबीसी इंपोर्टर इंडिया में है. सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट. तो जो जॉन और एबीसी लिमिटेड में एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो गुड्स होगी वो जॉन डिलीवर कराएगा एबीसी को उसके कस्टम्स पे. तो यानी कि जॉन को अपना फ्रेट फॉरवर्डर या वेसल जो भी अरेंजमेंट करनी है ट्रांसपोर्टेशन की वो खुद करेगा. उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि भाई मुझे तो इंडिया के कस्टम्स तक माल चाहिए, यूएसए से आप अपने गोडाउन से उठाएंगे, अपने पोर्ट पे डालेंगे, अपने पोर्ट से यूएसए के आप इंडिया पहुंचाएंगे. ये आपकी मेरी और एबीसी और जॉन की कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो फ्रेट कौन पे कर रहा है, जॉन. गुड्स डिलीवर कराने की जिम्मेदारी है जॉन की. तो ये हो गया सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट. अब अगर हम बात करते हैं एफओबी कॉन्ट्रैक्ट की, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें सेम रहती है, एक चीज बदल जाती है कि जो फ्रेट होगा जो एबीसी लिमिटेड और जॉन में जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कि एबीसी लिमिटेड विल टेक द गुड्स फ्रॉम जॉन फ्रॉम हिज पोर्ट फ्रॉम हिज लोकेशन टू इंडिया. तो जो फ्रेट होगा वो एबीसी लिमिटेड पे करेगा, वो अपॉइंट करेगा ट्रांसपोर्टर. जॉन को सिर्फ जो अपना गुड्स है, जो फिनिश गुड्स है जो उसको डिलीवर कराने हैं, वो बस वहां पे रख देगा अपने गोडाउन या पोर्ट तक. उसके बाद की जिम्मेदारी सारी एबीसी लिमिटेड की, राइट. ये दोनों एफओबी और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है. अब अगर हम बात करें एंट्री की, इसमें क्या हो रहा है, अगर हम बात करते हैं सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट की, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में एबीसी लिमिटेड को तो पता ही नहीं है कि इसका जो फ्रेट है, जो भाड़ा है वेसल का, वो कितना है, क्योंकि वो तो जॉन ने अपॉइंट किया है. वो तो सिंपली अपनी क्लियरेंस कराएगा, टैक्स देगा. बट सरकार ने एंट्री में ये लिख दिया कि भाई सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यस वेसल जो है वो बाहर का है. बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, यस वेसल से आ रहा है टू इंडिया, यस. सप्लायर ऑफ सर्विस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, यस वेसल जो है सप्लायर ऑफ सर्विस वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है. बट रिसीपेंट कौन है, जो रिसीपेंट है, रिसीपेंट तो जॉन है क्योंकि जॉन ने अपॉइंट किया वेसल को. बट एंट्री में वर्ड लिख दिया इंपोर्टर,
तो इंपोर्टर को रिवर्स चार्ज में जमा कराना है जबकि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता, तो ये लिटिगेशन का मैटर हो गया कि डबल टैक्सेशन हो रही है, राइट। तो उसमें हाई कोर्ट की जजमेंट आई, इसी के बाद बहुत सारी और भी जजमेंट्स आ गई है गुजरात हाई कोर्ट की। तो जो मोहित मिनरल्स की जजमेंट थी उसमें यही था कि CIF कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्टर इज नॉट द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो आप उस पे कैसे कह सकते हो कि उससे आप रिवर्स चार्ज में टैक्स ले लोगे, तो आप उस पे जो सर्विस रिसिपिएंट ही नहीं है आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप टैक्स दो, और जो रिसिपिएंट है वो तो आउटसाइड इंडिया तो GST का कोई इंप्लीकेशन ही नहीं है, राइट। तो ये अभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा कहीं ना कहीं, ड्यू टू कोविड अभी ये इन प्रोसेस में है, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना होगा जब आप GST ऑडिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज की पोजीशन भी लेनी पड़ेगी। तो मैंने आपसे ये डिस्कशन इसलिए करी है क्योंकि टॉपिक हो रहा है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम FOB कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें तो जरा सी भी प्रॉब्लम ही नहीं है। FOB कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विस प्रोवाइडर अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इंडियन इम्पोर्टर है तो आप लोकली ही किसी वेसल को या किसी ट्रांसपोर्टर को बोलेंगे, अगर तो वो लोकल बंदा है इंडिया का ही बंदा है तो ये नोटिफिकेशन उस पर लगी नहीं रिवर्स चार्ज की, क्योंकि जो सर्विस सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में। हाँ, बट अगर आपने की ऐसे सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस ली जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो उस केस में फिर रिवर्स चार्ज की इम्प्लीकेशन आ जाएगी, राइट। और सर अगर आप ध्यान से देखेंगे जो FOB के कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप अपने CHA को बोलते हैं या ट्रांसपोर्टर को कि मेरे को गुड्स न्यूयॉर्क से इंडिया लेके आने हैं FOB कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप अगर उनके ध्यान से बिल को देखेंगे ना तो सर वो अपने बिल पे लिख के देते हैं आपको इनवॉइस पे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सर्विस चार्जेस और ओशन फ्रेट चार्जेस, वो सब ऑलरेडी लिख के देता है, उस पर 5% वो टैक्स भी लगाता है क्योंकि वो FOB कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें टैक्स की रिवर्स चार्ज की कहीं बात ही नहीं, राइट। आई होप आई एम क्लियर। अब सर मैं आपसे एक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आई थी मुंबई में, मुंबई बेंच ने इसको रूलिंग दी थी 24 अप्रैल 2019 में। आई थिंक एक्चुअली देर आर मोर देन 850 एडवांस रूलिंग, तो उसमें से मैंने आपके लिए जो इंपोर्टर के लिए जो रिलेवेंट है मैंने सिर्फ वही आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो अगर आप उसमें एक ये इशू था जो बहुत सारे शुरू में जो इंपोर्टर्स थे जो इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, स्टॉक करके उसको सेल आउट करते हैं, उनका ये एक क्वेश्चन होता है, तो कहीं ना कहीं उस रूलिंग से ये चीज आपकी आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर GST एक्ट। तो सर अगर एप्लीकेंट के बारे में आप देखें तो एप्लीकेंट का जो रजिस्टर्ड था वो मुंबई में रजिस्टर्ड था, राइट। और इंपोर्ट वो करता था कुछ प्रोडक्ट्स और वो अपने गुड्स को इंपोर्ट करना चाहता था उड़ीसा में जबकि वो रजिस्टर्ड था मुंबई में। तो क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन जो आया अथॉरिटी के लिए वो ये आया कि वेदर द प्रोसीजर टू रेज इनवॉइस फ्रॉम मुंबई ऑफिस जहां पे वो रजिस्टर्ड है फॉर इंपोर्ट्स रिसीव्ड एट उड़ीसा वेयर एप्लीकेंट डज नॉट हैव एनी सेपरेट रजिस्ट्रेशन एंड चार्ज IGST फ्रॉम मुंबई टू आर कस्टमर इज करेक्ट, क्या उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी उड़ीसा में? क्योंकि आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो इंपोर्टर होता है वो इंपोर्ट करता है, वहीं वेयर हाउस में ही अपने गुड्स रखवा देता है कस्टम्स पे ही और वहीं से ही वो उसको सेल करना चाहता है, राइट। तो अगर मैं दिल्ली का इंपोर्टर हूं, मैंने मुंबई पे माल मंगवा लिया और मैं मुंबई से ही उसको कर्नाटका सेल करना चाहता हूँ, तो क्वेश्चन ये आता था क्या मुझे मुंबई में भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? बिकॉज जो आप अगर सेक्शन 22 को पढ़ेंगे तो वो कहता है कि जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी।
कंफ्यूजन ये आती थी क्या इम्पोर्टर को वहां पे भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी क्योंकि जो गुड्स हैं वो मुंबई से ट्रांसफर हो गए, तो ये क्वेश्चन था राइट। तो इसमें जो जजमेंट है वो क्या आई, रूलिंग दी महाराष्ट्र के जो रूलिंग आई बेंच ने, वो उन्होंने ये बोला कि जब आप गुड्स इम्पोर्ट करते हैं तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर हो जाती है, करेक्ट, ये हमने भी अपनी पहली स्लाइड में ही समझ लिया है। उसमें उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेंट है उसका ओडिशा में कोई वेयरहाउस ही नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो गई, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर किताबों में तो मुंबई की है तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो मुंबई हो गई, एज पर सेक्शन 22 जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो वहां पर रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। ऑल्सो आपकी अगर कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई ह्यूमन रिसोर्स है, तब आप वहां पे रजिस्ट्रेशन लोगे, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली इट वॉज हेल्ड दैट द एप्लीकेंट कैन क्लियर द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशूड बाय मुंबई हेड ऑफिस एंड देयरफॉर दे डू नॉट नीड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ओडिशा, तो उनको ओडिशा में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, आई थिंक आई एम क्लियर। किसी का कोई भी अभी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। अब अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आप अगर डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो तीन उसके एलिमेंट्स हैं। द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। सर इसको भी मैं आपसे अभी कोई कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा तो मेरे को आपका रिस्पॉन्स और आपका चैट बॉक्स में आंसर सही होंगे येस और नो से। तो फर्दर अगर आप सीजीएसटी एक्ट की डेफिनेशन में देखेंगे तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस shall be considered as a supply। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब हमारा वेबिनार हुआ था RCM पे तो मैंने बहुत डिटेल में उसको समझाया था, बट एज आज का टॉपिक इम्पोर्ट्स पे है तो मुझे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर सेक्शन 7 है सप्लाई का, सेक्शन 7 सप्लाई का बोलता है कि अगर आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, राइट सर, सप्लाई जीएसटी तब लगता है जब वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, अगर वो पर्सनल यूज के लिए तो जीएसटी नहीं लग सकता, राइट। बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में उन्होंने क्या बोला कि इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। तो आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि मैंने अगर कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, मैंने कोई सर्विस ले ली, सॉरी, तो आपका ये डाउट होगा कि मैंने अगर कोई सर्विसेज ले ली, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो क्या मुझे उस पर रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स जमा कराना पड़ेगा? सर अगर आप अभी तक की डिस्कशन को देखेंगे तो बिल्कुल हाँ, अगर आप अभी तक की डिस्कशन को देखेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन बी को आप देखेंगे तो हाँ आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब इसमें शेड्यूल 1 का भी एक किस्सा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई, बट अगर आप एंट्री नंबर 4 को देखेंगे शेड्यूल 1 की, इसमें अमेंडमेंट भी आई थी फाइनेंस एक्ट 2019 में जिसमें उन्होंने बोला कि एनी इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर ध्यान दे रहे हैं वर्ड क्या लिखा है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस will be treated as supply even if made without consideration। Schedule 1 में होती है ऐसी supplies जो कि supply treat करी जाएंगी even if without consideration है,
उसपे इन्होंने लिखा कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई टैक्सेबल पर्सन इंपोर्ट और सर्विस कर रहा है फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो सप्लाई है बट वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अब अगर मैं इंपोर्ट और सर्विस की आपसे बात करूं आरसीएम पे, तो भाई सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन है हर्षित का चैट बॉक्स में, इफ वी इंपोर्ट एनी गुड्स देन वी लायबल टू पे आरसीएम ऑन व्हिच वैल्यू? ये सर आरसीएम की, ये उसकी बात कर रहे हैं, ओशन फ्रेट की बात कर रहे हैं सर? सिंपल क्वेश्चन हर्षित जी, इज इट ओशन फ्रेट? कैन यू प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इंपोर्ट कर रहे हैं तब तो आप सिंपली आईजीएसटी पे कर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री के, उस पे कोई आरसीएम नहीं आया। हाँ, ये बात कर रहे हैं ओशन फ्रेट की सर। आप अगर 28 जून 2017 की जो नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं भूपेंद्र जी को शेयर कर दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि एफओबी कॉन्ट्रैक्ट, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपके पास वैल्यू है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जो वेसल है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो आपने ही अपॉइंट किया, तो आपको वो बिल देगा तो वो उसमें आएगी वैल्यू, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 5% उस पे जीएसटी रेट है रिवर्स चार्ज का, पे कर देंगे। रही बात सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें आपको वैल्यू नहीं पता, उसमें सरकार ने ये बोला है कि उस केस में अगर आपको नहीं पता वैल्यू तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू है वो 10% ऑफ सीआईएफ वैल्यू, वो आपकी फ्रेट की वैल्यू है, उस पर 5% आरसीएम लग जाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर हर्षित जी, आई नीड योर यस और नो। थैंक यू। अब अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, आरसीएम की, इसी सीरियल नंबर 13/2017 की जो नोटिफिकेशन है, अगर आप इसी का ही सीरियल नंबर देखेंगे तो उसमें आता है कि एनी सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और रिसिपिएंट इज एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द फर्दर ऑफ द बिजनेस सप्लाई है। अब आपको मैं इस चीज से लिंक करूंगा एक और एडवांस अथॉरिटी से, जो मध्य प्रदेश की अथॉरिटी ने रूलिंग दी। सर हम धीरे धीरे टेक्निकल को कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल से धीरे धीरे, राइट। अब इस केस के बारे में अगर आप समझे तो मैं आपको जो इससे बताना चाहता हूं वो मैं आपको एक नोटिफिकेशन 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स की वो बताना चाहता हूं, कि ग्लोबल स्किल करके एक मध्य प्रदेश की एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, उसने कोई सर्विसेज ली कंसल्टिंग सिंगापुर की किसी कंपनी से, तो उसमें ये जो ग्लोबल स्किल थी वाज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो बिजनेस में ही डील कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन ये आया कि क्या रिवर्स चार्ज में ग्लोबल स्किल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सर अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़े तो उसमें ये कहता है कि सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट अथॉरिटी और एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर प्रोफेशन। यानी कि ये जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन है टैक्स से, वो कब है? तब है अगर आपने कोई सर्विस ली है अदर देन कॉमर्स या इंडस्ट्री या बिजनेस से रिलेटेड। तो जो आपका पहला डाउट था, जो मैं बार बार फोकस कर रहा था सेक्शन 7 में जो लिखा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो आप, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप कर रहे हो whether or not in the course of furtherance of business, but उसके लिए specific notification, exemption notification है, right? तो उसमें judgment क्या आया कि if the service is imported for business or profession, even by government,
then exemption would not be available and government needs to pay GST under reverse charge. तो जो इस पूरी जजमेंट का सार क्या है, क्रक्स क्या है, कि अगर आप इंपोर्ट और सर्विस कर रहे हो, बट वो अदर देन बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हो, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, तो आपको जीएसटी नहीं देना. आई थिंक आई एम क्लियर. किसी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं, एल्स आई एम मूविंग फॉरवर्ड. राइट, अब हम बात करते हैं. अब सर सबको अपने चैट बॉक्स में सर आंसर देना है. सर अब आपने इंपोर्ट और सर्विस को पूरा अच्छे से समझ लिया, अब आपको सर ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड है इंडिया में और उसको ऑर्डर मिलता है फ्रॉम अ फॉरेन एजेंट अब्रॉड टू हुम इट पेस कमीशन. एक तरीके से फॉरेन में कमीशन पे कर रहे हो आप इंडिया में, क्योंकि उसने आपके ऑर्डर लाने में हेल्प करी. तो वो यूएसए का आदमी है सपोज, उसने आपको कुछ ऑर्डर दिलाने में मदद करी, तो क्या इस रूल के हिसाब से वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा? क्या जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज में? आई नीड आंसर सर, येस और नो, टेक योर टाइम, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स. आई नीड एवरी वन पार्टिसिपेशन सर प्लीज. क्या इस केस में जीएसटी में रिवर्स चार्ज लगेगा, येस और नो? अनमोल कह रहे हैं नो, वीरेंद्र जी कह रहे हैं यस. आई नीड मोर पार्टिसिपेशन सर, सिर्फ नो और यस में आंसर देना है. जतिन जी कह रहे हैं नो, अंकिता कह रही हैं यस. आई नीड मोर आंसर सर प्लीज. तो सर अभी भी 3 साल हुए हैं सर हमें जीएसटी को, बट अभी भी कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं. राइट, तो सर इसका मेन चीज आपको क्या देखनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स को पढ़ेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरमीडियरी होती है लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. इस केस में जो एजेंट है वो यूएसए में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर इज रजिस्टर्ड वो हो गई यूएसए. तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो हम कह रहे थे वो हो नहीं पाया, क्योंकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बाहर की हो गई. ये तीनों एलिमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाए, इसलिए ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है और रिवर्स चार्ज इस पे एप्लीकेबल नहीं हुआ. यस अनमोल जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब सबको क्लियर हो चुका होगा. अगर किसी का कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइए, बिकॉज अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, जो मैं आपसे अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था थोड़ी देर में. और आई थिंक अभी मेरे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं उस चीज पे थोड़ा जल्दी आना चाहूंगा. सर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा सा मेरा टॉपिक को डेविएट करता है, बट ये मेरे कहीं ना कहीं टॉपिक का पार्ट था, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंटेशन में डाल दिया है. बट मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस गुड्स अपने आप में एक वेबिनार का टॉपिक है जो कि बहुत डीपली डिस्कशन चाहता है. अब कुछ 2 से 3 चीजें हैं. जीएसटी इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड सेल्स, हाई सी सेल्स और आपका थर्ड पार्टी सेल्स. उसके बाद हम ये ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर को पूरा अच्छे से समझेंगे. उसमें मैं पूरा टाइम लगाऊंगा, किसी का कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. इवन आफ्टर द प्रेजेंटेशन मैं अपने कॉन्टैक्ट शेयर करूंगा, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. तो अब अगर हम वापस टॉपिक पे आते हैं तो वो है जीएसटी इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड सेल्स. सर सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड सेल होता क्या है. तो जो बॉन्ड सेल है वो होता क्या है कि आपने इंपोर्ट किया, सपोज यू आर द इंपोर्टर, और ओरिजिनल इंपोर्टर जो है वो गुड्स को इंपोर्ट करके वेयर हाउस में रख देता है, और फिर वेयर हाउस में रखे रखे ही वो किसी को जो गुड्स होता है वो बेच देता है हायर प्राइस पे. राइट, तो सेक्शन 7 को आप देखेंगे
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट विल बी रिगार्डेड एज एन इंटरेस्ट रेट ट्रेड. इसमें पहले बहुत क्लेरिफिकेशन की जरूरत थी, तो बोर्ड ने एक सर्कुलर निकाला डेटेड 25 मई 2018, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कंफ्यूजन क्या हो रही थी कि जो ओरिजिनल इम्पोर्टर है, राइट, ओरिजिनल इम्पोर्टर है, उसने गुड्स को इम्पोर्ट किया, अभी माल छुड़ाया नहीं है, सिर्फ वेयर हाउस में पड़े हैं. अब उसने अगर वो जो सामान है वो दूसरे बंदे को बेच दिया और वो इम्पोर्ट, वो एक तरीके से बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर रहा है, तो वो भी टैक्स दे रहा है IGST. तो क्या जो फर्स्ट इम्पोर्टर और सेकेंड इम्पोर्टर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है, क्या उस पर भी GST लगेगा? क्योंकि वो तो उसके लिए सेल है, बट उस केस में तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, राइट? तो फिर सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने यही बोला कि जो फाइनल क्लियरेंस होगी, जो सेकेंड इम्पोर्टर जो माल इम्पोर्ट कर रहा है, क्लियर करा रहा है, वो उसी ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगेगा IGST, उस वैल्यू में जो उसकी वैल्यू होगी, जो इम्पोर्टर वन ने बेच दिया इम्पोर्टर टू को जिस वैल्यू पे, वो उसमें इंक्लूड करके उस पे वो टैक्स देगा. फर्दर 1 फरवरी 2019 को GST अमेंडमेंट एक्ट 2018 लागू किया गया, जिसमें उन्होंने शेड्यूल 3 में इस पॉइंट को ऐड कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि जो सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन वुड नाइदर बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. तो उन्होंने उस सर्कुलर को एक्ट में ही डाल दिया कि वो इम्पोर्टर वन और इम्पोर्टर टू की जो ट्रांजेक्शन है उस पे GST का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, राइट? BCD और IGST जो लिवी होएगा वो जब होम कंजम्पशन के लिए इम्पोर्टर टू फाइल करेगा उस वैल्यू पे वो लग जाए. आई होप आई एम क्लियर. किसी का कोई डाउट है प्लीज आप मुझे बताइए. राइट सर, अब अगर हम बात करते हैं GST इम्पैक्ट ऑन हाई सी सेल्स. अब सर हाई सी सेल्स क्या है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. हाई सी सेल में क्या होता है कि जो ओरिजिनल इम्पोर्टर होता है दैट सेल द गुड्स टू थर्ड पर्सन बिफोर गुड्स आर एंटर्ड इन द कस्टम क्लियरेंस, यानी कि बिफोर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री. अगर मैं आपको आसान भाषा में बोलूं कि आपने कुछ इम्पोर्टर ने गुड्स को इम्पोर्ट किया, वो रास्ते में ही था, अभी वेसल में फ्रेट बस चल ही रहा था, ऑन द वे था, आपने इम्पोर्टर ने सौदा कर लिया उसको बेचने का, राइट? तो अब इसमें भी सेम इशू आ रहा था जो हमको पहले इशू आया इम्पोर्टर वन इम्पोर्टर टू, उसको भी सरकार ने पहले क्लियर कर रखा था, अब अमेंडमेंट ले आए 1 फरवरी 2019 से, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप इंडोर्समेंट से डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर देते हो, टाइटल ट्रांसफर कर देते हो, तो फिर उस ट्रांजैक्शन पे कोई GST नहीं लगेगा, वो सप्लाई ही ट्रीट नहीं होगी. और जब वो उस गुड्स को जो सेकेंड इम्पोर्टर होगा जिसको बेचा गया वो क्लियर कराएगा, उस वैल्यू को एड करके उस पर IGST दे देगा, राइट? आई थिंक आई एम क्लियर, आई एम मूविंग फॉरवर्ड. किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे बता सकते. अगर हम थर्ड पार्टी सेल की बात करें, इसको भी अगर हम आसान भाषा में समझें, इसको भी 1 फरवरी 2019 में शेड्यूल 3 में डाल दिया गया, जिसमें होता क्या है कि आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट करे. सर एक क्वेश्चन आया, वेदर ओरिजिनल इंपोर्टर रेज इनवॉइस. यस सर, आप एक कमर्शियल इनवॉइस रेज करेंगे. अगर आप हाई सी सेल की बात करें तो पूरा एग्रीमेंट भी बनता है, आपको अगर रिक्वायर्ड होगा तो आप वो भी मेरे से ले सकते हैं. मेनी क्लाइंट जो ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है, उस पर कोई GST नहीं लगता, राइट? अगर मैं थर्ड पार्टी सेल की बात करूं तो थर्ड पार्टी सेल में होता क्या है कि जो इंपोर्टर है वो जिस व्यक्ति को वो गुड्स बेचता है, जो थर्ड पर्सन होता है वो इंडिया में नहीं होता. यानी कि आपने गुड्स इंपोर्ट करी हांगकांग से और आपने बेच दी जापान में, तो आपने एक तरीके से दोनों पार्टी बाहर की है,
तो वो गुड कभी इंटर हुए ही नहीं इंडिया में, तो वो ही उन्होंने शेड्यूल थ्री में क्लियर किया कि उस पर तो कोई जीएसटी का इम्प्लीकेशन ही नहीं है, वो सप्लाई ही नहीं। आई थिंक आई एम क्लियर अगेन, किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। ये कुछ आईसीएम, ये इट इज वेरी नॉर्मल कि आप कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो आईसी होना जरूरी है, और अब जीएसटी नहीं आईसी है। अब सर जो मैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सर एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो आज प्लीज समझिए। सर सर आपको ये लगेगा सुन के कि ये चीज एक्चुअली में हो सकती है, बट ये एक्चुअली में है, और आप वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं कि किन किन कंपनी के पास ये लाइसेंस, ये सर्टिफिकेट है। तो मैं अगर इंट्रोडक्शन दू इस स्कीम का, ये सर स्कीम की थोड़ी सी अगर मैं आपको शुरुआत के बारे में बताऊं, ये शुरू कब हुई थी, जब सर आपको पता होगा अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ, तब से अमेरिका में जो अटैक हुए थे वो जो इक्विपमेंट्स आए थे, जो गन्स वगैरह आई थी, वो इंपोर्ट हुए थे पार्ट्स में। तब से अमेरिका ने उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट AEO लागू किया अपने अपने कंट्री में। सो अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट दिस AEO स्कीम। उसमें उन्होंने ये बोला कि हम भाई किसी से भी बिजनेस नहीं करने देंगे, किसी भी कोई भी बंदा हो किसी भी कंट्री का, उसको बिजनेस नहीं करने देंगे हम आपको, आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और हम देखेंगे कि वो जो इम्पोर्टर है हमारी कंट्री में वो कितना कितना जेन्युइन है। तो इसलिए वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि कोई भी बंदा कुछ भी इम्पोर्ट ना कर पाए, राइट। तो इसका जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको भी थोड़ी सी बताई। अब इसका सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको एक तो इंटरनेशनली रिकग्निशन मिलती है, राइट। AEO का कॉन्सेप्ट हर कंट्री में है, अगर आप इसको कभी भी थोड़ी रिसर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा कि ये हर कंट्री में लागू हो चुका है, और इंडिया में पिछले 4 साल से है, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इसके बारे में किसी को नहीं पता, राइट। इसकी एलिजिबिलिटी भी कोई ऐसी नहीं है कि आपको लगे कि हमारे तो भाई छोटे क्लाइंट है उनको नहीं दिला सकते। ऑब्वियसली अगर आप, अब मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसेस होते हैं, बट जो बेसिक कंडीशन है कोई ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक आइटम है उसी पे ही मिलता है, कोई भी आइटम हो XYZ सब पे मिलेगा बेनिफिट। एक बेसिक सी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपने 25 इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पिछले साल फाइल होने चाहिए शिपिंग में, ये एक बेसिक कंडीशन है, राइट। अभी हमने बात करा कि AEO में होता क्या है, एक बेसिक क्राइटेरिया ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि AEO के सर्टिफिकेशन के क्या नंबर्स हैं सर आज की डेट में। सर इसमें ना 3 टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैं लॉजिस्टिक ऑपरेटर की अभी बात नहीं करूंगा। Tier 1, Tier 2, Tier 3, ये 3 टाइप के सर्टिफिकेट मिलते हैं, राइट। और ये जो 3 टाइप के सर्टिफिकेट मिलते हैं, इसमें अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो आज जो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो Tier 2 की बात करेंगे। टीयर टू में आज की डेट में सिर्फ 519 कंपनियों के पास सर ये चीज है। आप सोचिए सर पूरे इंडिया में सर कितने इंपोर्टर होंगे, आप भूल जाइए कंपनी कितनी है, पार्टनरशिप कितनी है, इंडिविजुअल कितने है, भूल जाइए इंपोर्टर कितने होंगे सर, नाना करके भी लाखों में तो जरूर होंगे सर, और उन लाखों इंपोर्टर में हजारों में तो सर बड़े इंपोर्टर होंगे, और उनमें से सिर्फ 500 लोगों के पास ये चीज है। तो आप देखिए सर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर रहे हो। आप अगर टैक्स ऑडिट, ITR, GST रिटर्न करिए सर, नो डाउट, कुछ मत छोड़िए सर, सब करिए,
बट कहीं ना कहीं सर नई चीजों पे भी दिमाग लगाइए। मेरे पास ऐसी 5 से 6 स्कीमें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट मेरे पास लैक ऑफ टाइम है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा सर। मैं आपके पास एक ऐसी स्कीम को लेके आया हूँ जो मुझे लगता है कि पानीपत के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती है ड्यू टू हैवी इंडस्ट्रीज इन योर पानीपत एरिया। आगे चलते हैं सर। अब अगर मैं बात करूं बट आज की रिक्वायरमेंट ना, मैं सर जब तक आदमी दिल से कनेक्ट नहीं होगा ना सर, तब तक बात नहीं बनेगी। आज की डेट में प्रोफेशनल को चाहिए बिजनेस, और मैं आपको खुला बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ सर। अब वो आपकी स्किल है कि आप उसको कैसे बेच सकते हो, उसमें कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे बताओ सर, मैं आपको बताऊंगा। मैंने किस किस कंपनियों का करा मैं वो भी बता दूंगा, बट एट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपसे वो चीज डिस्कस नहीं कर सकता। तो मैं आई वॉज माई सेल्फ इन बिग फोर, मैंने बिग फोर में एक्चुअली काम किया है, तो इसलिए मेरे को ही पता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आप इसको यूज करिए सर। तो अगर मैं बात करूं एईओ Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 1 और Tier 2 की वैलिडिटी होती है 3 years की, और Tier 3 की होती है 5 साल की। Tier 3 में तो सर नाम की कंपनी है, 4-5 बस और है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अब सर आप ये जो चीज है ना सर, इसको ध्यान से देखिए। क्लाइंट क्या है ना सर, हमारे क्लाइंट होते हैं देसी, जो इंडियन दिमाग होता है ना, MNC का तो चलो है, इंडियन जो मेंटालिटी होती है वो होती है यार मेरे को ना क्रक्स में बात बताओ, ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है, मुझे तो ये बताओ मेरा फायदा क्या हो रहा है, मैं सिर्फ उसको सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। सबके टाइम की वैल्यू है, और मैं तो आप लोगों की टाइम की वैल्यू ज्यादा करता हूँ। अब अगर हम Tier 1, Tier 2, Tier 3 का कंपैरिजन करेंगे, आज मैं जो डिस्कशन करूंगा आपसे ज्यादा वो Tier 2 की करूंगा। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं, आप बाद में इस प्रेजेंटेशन से उसको बड़ा क्लियर कट आप समझ सकते हैं, बट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है ड्यूटी डेफरमेंट का। आप देखेंगे तो सेकेंड लास्ट पॉइंट में मैंने उसको बोल्ड कर रखा है। Tier 1 में ड्यूटी डेफरमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होता, बट Tier 2 और Tier 3 में जो आप कस्टम ड्यूटी देते हो, जो आप GST देते हो सर, दोनों चीजें हैं, सिर्फ कस्टम ड्यूटी नहीं है। 10% अगर मैं मानू कस्टम ड्यूटी है और 18% GST है, तो दोनों का डेफरमेंट है, प्लस जो बैंक गारंटीज देनी होती है वो आप देखिए सर, Tier 1 में 50%, Tier 2 में 25%, Tier 3 में देने की जरूरत नहीं है। आपको जो बैंक में एक प्रिविलेज कस्टमर मिल जाता है ना, जो आपको रिलेशनशिप मैनेजर जो आपका सब कुछ देखता है वो मिल जाएगा। आपकी जो ड्यूटी ड्रॉबैक है, जो आपके ड्यूटी ड्रॉबैक है वो 72 hours में प्रोसेस हो जाएंगे। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपकी सेव बढ़ जाएगी, कोई क्लियरेंस होगी, डिमरेज चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है, बट जो मेन बेनिफिट है, अगर देसी भाषा में समझूं, आज आप अपने अगर क्लाइंट को पिच करने जाओगे, वो बोलेगा मेरे को यार ये सब तो ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, ये तो एक तरीके से सोने पे सुहागा टाइप्स वाली चीज है, बट सोना तो बताओ पहले। सोना है सर कि आपको ड्यूटी की डेफरमेंट मिल रही है, जो आज की डेट में अगर मैं बात करूं ना सर, कोविड में सबसे ज्यादा चीज आज डेट में किसको क्या प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन को या इवन एज ए प्रोफेशनल हमें क्या प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल। अगर आज आपकी वर्किंग कैपिटल रोटेशन घूमने लग जाएगा, तो हो सकता है सर इकोनॉमी ही पूरी रिवाइव हो जाए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसका स्लैब क्या होता है सर, इसको 2 मिनट ना शांति से देखिए आप कि एक्चुअली में कितने दिन का डेफरमेंट मिलता है। तो आपने अगर फर्स्ट 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 से 15th डे कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है,
तो वो 17th को आपको उसकी पेमेंट करनी है, यानी कि अगर आपने पहली तारीख को माल छुड़वा दिया, आपको जो ड्यूटी पे करनी है वो 17 तारीख को करनी है। 17 दिन का डेफरमेंट मिल गया सर, हो सकता है इतने में तो आप माल बेच के अपनी, हो सकता है कोई कोई लोग तो पेमेंट भी ले लें। आप अगर उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, वो भी मैंने करी है आपके लिए एग्जांपल, तो आपको लिटरली आप बता सकते हो क्लाइंट को कि भाई तेरे को कितना फायदा करा सकता हूँ। वही अगर 16th डे से कराओगे तो सेकेंड को देनी है, 16th डे टिल 29th मार्च, 31st मार्च, 38th डे से 31st मार्च तो सेकेंड अप्रैल। तो इस चार्ट से आपको देख के ये लगेगा कि जो आप ये भी बोल सकते हो ना कि अगर किसी का ऐसा बिजनेस है कि भाई आप फर्स्ट 5 days में ही अपनी जो सामान है, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उस ट्राई करिए कि आप फर्स्ट 5 days में ही उसको क्लियर कर पाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी का डेफरमेंट मिले। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, समझाने के लिए क्लाइंट को ये चार्ट बनाया मैंने सर आपके लिए स्पेसिफिकली। 2 मिनट इसको शांति से देखिए, जिसको कहते हैं ना देसी भाषा में मेरे को सीधा सीधा फायदा बताओ। सर नंबर आप बदल लेना और फायदा आप अपना बता देना क्लाइंट को। XYZ एक इम्पोर्टर था, वो उसने 1 अप्रैल को माल अपना क्लियर कराया, 100 करोड़ की उसकी बात करूं मैं अगर, इम्पोर्टर है वो, 100 करोड़ का उसने इम्पोर्ट किया मंथ में, जिसमें BCD 10% थी, सेस 3% था, AGST 18% था। मैं मान के चल रहा हूं कि इंटरेस्ट का लोन 10% है। तो आप ये देखिए कि उसने क्लियर कब कराया तो उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर उसने 5 अप्रैल को क्लियर कराया तो अमाउंट की जो उसकी कैलकुलेशन आ रही है ड्यूटी की, वो मोटा मोटी 30 करोड़ 15 लाख की आ रही है। अगर उसके पास AEO का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी तीनों केस में कोई सेविंग नहीं है। जब वो माल छुड़ाएगा तब उसको पेमेंट करनी है, बात खत्म। बट अगर उसके पास AEO का सर्टिफिकेट है, 5 अप्रैल को वो छुड़वा रहा है, अगर मैं इसको 1 अप्रैल कर देता तो और बेनिफिट बढ़ जाता। 5 अप्रैल को वो अपना सामान छुड़वा रहा है, 17 तारीख को उसको पेमेंट करनी है, डेफरमेंट हो रहा है 12 दिन का। अगर आप 30 करोड़ 15 लाख को 10% से मल्टीप्लाई करोगे और 12 दिन का निकालोगे, मोटा मोटी सर 10 लाख का फायदा करा दिया आपने उसका। ऐसी अलग अलग डेट पे अलग अलग फायदा है। तो मैं आपसे इस चीज का जो मैंने किया है, इसका मकसद क्या है कि आप, अगर आपका कोई क्लाइंट है जो हैवी इंपोर्टर है, अगर कोई छोटा क्लाइंट है जिसका इंपोर्ट इतना नहीं होता, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इट इज अ कंबर्सम प्रोसेस। मैं ये नहीं कहता कि ये मिलता नहीं है, मिलेगा सर, बट इसका मैं आपको अगर एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताऊं, अगर इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ इस तरह है कि इसमें कुछ एनेक्चर्स हैं सर। सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक वाले को कहोगे कि मेरे को लोन दे दो तो वो आपकी चेकिंग तो करेगा ही ना। ऐसी अगर आप सरकार को बोल रहे हो कि मुझे यार 17 दिन का बेनिफिट दे दो, डिले करा दो, क्रेडिट दे दो, सरकार भी तो चेक करेगी ना कि मैं जिसको क्रेडिट दे रही हूँ क्या वो उस लायक है, इज ही रियली वर्थ फॉर दैट क्रेडिट। तो उसमें एनेक्स्टर 1 ABCD करके बहुत सारे, और उसमें क्या क्या होता है आपको बताना पड़ता है कि आपके गोडाउन का क्या प्लान है, कितना सिक्योर है, क्या क्या सिस्टम लगे हैं आपके। ऑब्वियसली आपका ये जो चीजें होंगी वो एक बड़े क्लाइंट पे ही एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि छोटे जो क्लाइंट होते हैं वो ये सब चीजें, मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका नहीं होता, राइट। इसके बाद आप ये सारी एप्लीकेशन जब बना के देते हैं तो कस्टम्स के जो AEO के डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो आपके प्रेमिसेस पे आते हैं, उसको चेक करते हैं सारी चीजें कि CCTV है, कितना वेल मेंटेन है, और आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि आप ये चेंज करा लीजिए। अगर हम एक्सपीरियंस्ड होंगे एज ए प्रोफेशनल तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमें क्या क्या चीज ऑलरेडी करा के उनको देनी है, ताकि उसमें टाइम कम लगे। और फिर वो सब करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जो ऐसा दिखता है। ये मैंने, एक मेरा क्लाइंट था उसका नाम हाइड कर दिया है, तो उसका ये जो सर्टिफिकेट होता है ये ऐसे आता है जो 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आप Tier 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते, बट पहले आपको Tier 2 होना कंपलसरी। तो सर मैं ये कहता हूं कि आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया है, अब आप उसको सेल करिए,
आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छी लगी होगी. तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो टोटली टोटली बिल्कुल अनटैप्ड है. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज प्लीज गो टू योर क्लाइंट्स, पिच देम, टेक एनी हेल्प यू रिक्वायर फ्रॉम माय साइड. एंड सर इसमें आपका कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. इसमें से अगर आप देखेंगे ना तो आधा डाटा तो बस क्लाइंट से ही आपको लेना है. आपको तो उसको बस पुट करना है. उसके लिए मैं हूं आपके साथ. हम मिलके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर्टिफिकेट लाके देंगे क्लाइंट को. और सर क्लाइंट क्या होता है ना, अगर आप क्लाइंट से पैसे मांगोगे, अगर आप क्लाइंट से पैसे मांगोगे कि मेरे को जीएसटी रिटर्न के 5,000 रुपये महीना चाहिए, टैक्स ऑडिट के 50,000 रुपये चाहिए, वो कहेगा सर थोड़ा कम कर दो. बट अगर आप उसको ये बोलोगे ना सर मैं आपकी साल की सेविंग 1 करोड़ लाके देता हूँ, आप मुझे 10 लाख रुपए दो, वो कहेगा 11 लाख ले. ये फर्क है सर. और आपसे अगर आप उसके सीए नहीं हो ना सर, तो अपने सीए को बोलेगा कि मेरे को टैक्स ऑडिट भी नहीं से करानी है, मेरे को जीएसटी ऑडिट भी नहीं से करानी है, मेरे को जीएसटी रिटर्न भी नहीं से करानी है. ये होता है सर. आपको जो सोच है ना सर, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा. और सर सोच एकदम से नहीं बदलती. आपके पास इससे बढ़िया टाइम सर जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता. आप प्रिटेंड कर लो कि आप कितने भी बिजी हो, बट इस टाइम पे आप सबसे ज्यादा खाली हो. और आपको इस टाइम पे ना सर ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट बेचूं, मैं ऐसी क्या चीज मार्केट में लेके आऊं जो मेरे अलावा कोई और ना कर पाए. तभी तो सर मुंह मांगे पैसे मिलेंगे. आज अंबानी कोरोना के टाइम पे भी हर दिन 1% बेच देता है अपना. सर प्लानिंग बहुत जरूरी है. एग्जीक्यूशन का काम नहीं है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो अकाउंटेंट का काम है. हमारा काम है प्लानिंग. किसी भी बिजनेस के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट सर? आई थिंक कोई बोर नहीं हुआ होगा. मैंने एक ऐसी चीज बताई है. और ऐसी एक चीज मेरे पास और भी है, हो सकता है वो आप लोगों को पता हो. आप अगर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस हो तो आपको सरकार से, अगर आपका कोई भी क्लाइंट है जिसकी बाहर से रेवेन्यू आती है, सर्विस की बात कर रहा हूँ, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपको SEIS का बेनिफिट मिलता है. हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो. तो 5-7% का आपको एक तरीके से ड्रॉबैक मिलता है. सो इफ यू आर गेटिंग 5-7% ऑफ ड्रॉबैक, वो आप अपने क्लाइंट को लाके दे सकते हो यार. सोचो आप किसी की 10 करोड़ की रिसिप्ट है, सर्विस प्रोवाइडर, एक्सपोर्टर और सर्विस प्रोवाइडर, उसका सपोज 5% एलिजिबल बैठता है. सर 50 लाख रुपए हो गए. अगर आप क्लाइंट को बोलो भाई मैं तेरे को 50 लाख रुपए लाके देता हूँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, अगेन वो कहेगा भाई 11 लाख ले ले, और अगेन मेरी जीएसटी रिटर्न भी तू ले ले, मेरी टैक्स ऑडिट भी तू ले ले, सब तू ले ले. सर आपको जो आपकी सोच है ना वो दूसरे डायरेक्शन में घुमानी पड़ेगी. क्लाइंट तब आपके पास आएगा जब आप उसको वैल्यू एडिशन दोगे. वैल्यू एडिशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज आपका भी कोई एम्प्लॉय आएगा ना, आपका एम्प्लॉय आपको पता चल जाएगा 10 दिन में. वो बोलेगा सर देखो ये गलत हुआ, मैंने ये ठीक कर सकते हैं. वो एम्प्लॉय आपको पसंद आएगा, राइट? अब मैं अपने वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ. टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, बट फिर भी मैं आई ट्राई कि मैं जितना हो सकता है मैं सारा कवर करूँ. कुछ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लोगों को क्लियर हैं. बट अगेन मैं कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है, अगेन मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बोलूँगा. मैं थ्योरिटिकल चीज़ें बोलने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ मैं पसंद नहीं कर करता वो सामने वाला कभी पसंद नहीं करेगा, राइट? अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं कुछ, क्योंकि ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम, मैं कुछ उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा जो प्रैक्टिकली मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने
कुछ सीखा, कुछ गलती करी और फिर फाइनल आंसर आया। तो अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की मैं बात करूं तो सिंपली एक्सपोर्ट जो डिफाइंड है, इट मींस मेक टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, राइट। और एससीजेड को अगर हम सेल करते हैं तो वो जीरो रेटेड सप्लाई है, अगेन वो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है। प्लेस ऑफ सप्लाई बड़ा क्लियर है, अगर आप 11 प्लेस ऑफ सप्लाई के एक्ट को देखेंगे आईजीएसटी एक्ट में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया, तो जहां माल जा रहा है वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। आई थिंक मेरे को इसमें कोई ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में अगेन देर आर 5 conditions, तो अगर 5 conditions की मैं बात करूं तो उसमें सप्लायर ऑफ सर्विस शुड बी इंडिया, रिसिपेंट शुड बी आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया, पेमेंट फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए, और जो सप्लायर एंड रिसिपेंट है शुड नॉट बी मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगेन इस पे बहुत सारी जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, गोडैडी की भी जजमेंट्स आई हुई है, बट मैं उस चीज में अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम। आप अगर एसईजेड को सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाएगा, इवन इफ अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली में ही एसईजेड यूनिट है, तो आप उनको जो सप्लाई करेंगे वो एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा, इवन इफ दोनों सेम स्टेट में, राइट। जीरो रेटेड सप्लाई में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आप जो एक्सपोर्ट करते हैं वो होता है, प्लस जो आप एसईजेड डेवलपर को चीजें देते हैं वो आपका एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाता है। बॉन्ड एलयूटी में आप कर सकते हैं, प्लस आप आईजीएसटी का चार्ज करके आईजीएसटी का रिफंड ले सकते हैं। अब सर अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सर मेरे को आप लोगों से इसका आंसर चाहिए, तुम्हारे भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका प्लीज आंसर दीजिए। एक्स वाई जेड सप्लाइज गुड्स टू जगदम्बा इम्पेक्स लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन हरियाणा, हाउ द ट्रांजेक्शन शैल बी रिपोर्टेड इन 3B and 1 ऑफ एक्स वाई जेड एंड एसईजेड। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, मैं एक मिनट रुक गया हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। टोटल प्रैक्टिकल बात करेंगे सर, कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं करना चाहता मैं आप लोगों को। अब ये मैं जो बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक्स वाई जेड की। एक्स वाई जेड ने एस जेड में सप्लाई करी तो वो उसको कैसे शो करेगा सर? 3B में तो वो एक्सपोर्ट्स में आएगा, यानी कि बी नंबर कॉलम में आएगा 3.1.B। और GSTR 1 में सर ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट्स में नहीं डालना है आपको, इट इज एन एक्सपोर्ट, बट GSTR 1 में आपको B2B में जाके SEZ सप्लाई जो टिक आ रहा है ना सर, विद पेमेंट विदाउट पेमेंट, यहाँ पे उसको डालना है। और अब तो नई फंक्शनैलिटी भी आ गई है, आप जैसे GST डालोगे वो पकड़ लेगा कि वो SEZ यूनिट है कि नहीं, क्योंकि उसने अपने रजिस्ट्रेशन जो कराई होगी उसमें SEZ यूनिट डाला हो। तो ये लोग गलतियां कर देते हैं, एक्सपोर्ट्स में चढ़ा देते हैं, है वो एक्सपोर्ट 3B में 3.1.B में और B2B में SEZ में टिक करना। आई थिंक आई एम क्लियर। जयेश जी कह रहे हैं व्हाट शुड बी द टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएट। सर टैक्स लगेगा जयेश जी, उस पर 18% लगेगा, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट का प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे 5 conditions होनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, कि जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई दैट शुड बी आउटसाइड इंडिया, इंटरमीडिएट केस में वो इंडिया हो जाएगा तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, तो आपको 18% चार्ज करना पड़ेगा। आई थिंक आई एम क्लियर। ये बात थी एक्स वाई जेड की। अगर हम जगदम्बा की बात करें, जगदम्बा SEZ में है सर, जयेश जी IGST लगेगा, बिकॉज इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ओवरसीज ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो आपने अब जगदम्बा SEZ, वो एक तरीके से SEZ यूनिट है। अब SEZ यूनिट के लिए वो क्या होगा,
एसईजेड यूनिट के लिए वो इंपोर्ट है, तो आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स में डालना हो, राइट। अब सर मेन पिक्चर अब शुरू होती है, इसमें मैं आप लोगों से आपका रिस्पांस चाहता हूं सर। थोड़ा सा ट्विस्टेड है ये, उसके बाद दो तीन प्रैक्टिकल केस स्टडीज हैं, वो मैं बहुत जल्दी जल्दी सम अप कर दूंगा, उसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे। किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो वो मेरे से कनेक्ट हो सकता है। जगदम्बा इम्पैक्स एसईजेड में लोकेटेड है और वो सप्लाई कर रही है दिल्ली को, जो कि डोमेस्टिक यूनिट है। तो आप एसईजेड की रिटर्न भर रहे हैं, आपका क्लाइंट एसईजेड है, आपका क्लाइंट जगदम्बा है, तो आप उसको 3B और 1 में कहाँ दिखाओगे सर? मैं सिंपली आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे को आपसे आंसर चाहिए सर, प्लीज। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे को आप लोगों से आंसर चाहिए। एसईजेड आपका क्लाइंट है, एसईजेड ने कुछ सेल करी है डीटीए में, एसईजेड ने डोमेस्टिक सेल कर दी, एक्सपोर्ट नहीं करा है, तो वो क्या ट्रांजेक्शन माना जाएगा? आई नीड एन आंसर सर। राहुल जी कह रहे हैं एक्सपोर्ट, आई नीड मोर आंसर सर। हम सब ने जो हम सेल करते ना एसईजेड को, वो तो हम सबको पता होता है, बट आप सोचो एसईजेड आपका क्लाइंट आ गया, एसईजेड बोल रहा मेरे रिटर्न भर दो, तो क्या होगा? एसईजेड लोकल भी तो सेल कर सकता है ना, तो क्या करो? बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर, थ्योरेटिकली कुछ नहीं बोलूंगा, बेटर है कम बोलूं। जयेश जी कह रहे हैं इंटरस्टेट लोकल सप्लाई, कीर्ति जी कह रही हैं इट इज एन एक्सपोर्ट। आई नीड मोर पार्टिसिपेशन सर, चाहे गलत बोलिए सही बोलिए। नॉर्मल इंटरस्टेट विद आईजीएसटी सर, 3 साल हो गए सर जीएसटी को, अब आप इसका इंस्ट्रक्शन पढ़िए। ये इंस्ट्रक्शन GSTR 1 का इंस्ट्रक्शन है, जिसमें वो बोलता है कि आप अगर ऐसी जेड से कुछ माल लेते हो डीटीए, उसके लिए वो इंपोर्ट है। सुरभि जी ने काफी हद तक ठीक बोला कि इट इज एन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट। बट मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसी जेड उसको रिपोर्ट कहाँ करे? ठीक है, डीटीए वाला तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में डाल देगा, ये ट्विस्ट था, बट ऐसी जेड वाला कहाँ डाले? वो बोलेगा तो सही ना, कहीं डालो तो सही वैल्यू। मैंने अगर 1 करोड़ की सेल कर दी डोटीए में, तो सुरभि जी का आंसर एकदम करेक्ट है, एसईजेड उसको कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं करेगा। एसईजेड कोई भी वैल्यू रिपोर्ट नहीं करेगा, ना 3B में ना 1 में, क्योंकि अगर वो 3B में कर देगा तो उसको आउटपुट जमा करानी पड़ेगी, वो तो टैक्स तो उसको देना ही नहीं है, वो तो जो इंपोर्टर है वो ऑलरेडी पे कर रहा है। बिल ऑफ एंट्री की अगर कवर ऑफ बिल ऑफ एंट्री जारी है तो जो रिसीपेंट है वो IGST पे कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन में यही लिखा है, एनी सप्लाई मेड बाय SEZ टू DTA विदाउट कवर ऑफ बिल ऑफ एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय SEZ इन GSTR 1। जनरली जो भी माल जाता है SEZ से वो बिल ऑफ एंट्री में ही जाता है, अगर बिल ऑफ एंट्री में नहीं जा रहा तब आप रिपोर्ट करोगे, बट अगर बिल ऑफ एंट्री पे जा रहा है तो रिसीपेंट इंपोर्ट ट्रीट करके उसको रिपोर्ट कर देगा 3B में, SEZ कहीं रिपोर्ट नहीं करेगा, ना सेल में, ना 3B में, ना 1 में। आई होप आई एम क्लियर, किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। आई थिंक इट इज क्लियर, मैं आगे चल रहा हूँ सर। ये कुछ एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसमें मुझे एक चीज बतानी है, क्योंकि आई थिंक अब बहुत लोगों को क्लियर है
बट हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो आप देखेंगे तो दो तरीके से करते हैं, या तो आप आईजीएसटी टैक्स लगाते हैं और आईजीएसटी को ऑटोमेटिक रिफंड लेते हैं, या फिर आप एलयूटी में करते हैं और इनपुट का रिफंड लेते हैं, राइट? और कोई तरीका नहीं होता, राइट? अब मैं जो भी बात कर रहा हूं वो आईजीएसटी की बात कर रहा हूं कि आपका कोई क्लाइंट है एंड ही इज डीलिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर आईजीएसटी, तो वो क्या करेगा कि जो उसकी थेरी है उसमें इसने आउटवर्ड टैक्सेबल में रिपोर्ट कर दिया और इंटीग्रेटेड टैक्स 33 लाख उधर उसने उसको डाल दिया। सेम इसकी डिटेल आप जीएसटीआर 1 में एक्सपोर्ट्स में इनवॉइस वाइज शिपिंग बिल नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस, पोर्ट कोड सब डालेंगे तो सर होगा क्या, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएगा आइस गेट को और आइस गेट में ट्रांसमिट होने के बाद आपका रिफंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, आप जीएसटी पोर्टल पे ही चेक कर सकते हो कि आपका जो इनवॉइसेस थे वो ट्रांसमिट हो गए आइस गेट को या नहीं। अगर वो नहीं हुए होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस रिजेक्टेड बाय आइस गेट, उसका रीजन भी आ जाएगा कि आपने या तो शिपिंग बिल नंबर गलत डाल दिया या आपका 3B और 1 में जो टैक्स है वो मैच नहीं कर रहा, राइट? तो जितने भी आज तक रिफंड रुके हैं ना सर आईजीएसटी के, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन जो मैं डिस्कस करूंगा, वो सिर्फ इसी वजह से रुके हैं कि आप लोगों ने रिटर्न गलत भरी है उसकी वजह से रिफंड नहीं आ रहे या इनकम्प्लीट भरी, राइट? एलयूटी में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, एलयूटी में हम सबको पता है आप एलयूटी फाइल करते हो, इनपुट का रिफंड क्लेम करते हो, राइट? उसमें कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, सर्कुलर भी आए, नेक्स्ट ईयर भी है, डिक्लेरेशन है, वो सब आप अटैच करते हो। रिफंड में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि अगेन वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये कुछ एक्सपोर्ट्स टू नेपाल एंड भूटान है, ये भी लोगों का थोड़ा डाउट होता है कि आप अगर नेपाल और भूटान में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जीरो रेटेड है और उस पर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है अगर आप नेपाल और भूटान में दे रहे हो तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज आना बहुत जरूरी है, इसलिए वो जीरो रेटेड नहीं है अगर सर्विसेज है टू नेपाल एंड भूटान। बिल्कुल सर, कोविड में इसका रियलाइजेशन को बढ़ा दिया गया है, मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा प्रेजेंटेशन में। जयेश जी बोल रहे हैं हाउ टू ट्रीट द सेम इन जीएसटीआर 9C रिकंसिलेशन ऑफ एसईसीड यूनिट। सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा एक्चुअली में एक क्लाइंट है, आप मेरे से 1-to-1 में डिस्कस कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक से अलग हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिकंसिलेशन तो सर 9C तो बनी इसलिए है कि आप अपना कलम चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखेंगे आप आराम से बना लेंगे, मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है तो, क्योंकि मैं उसको अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो रिफंड की आ रही है वो आ रही है आईजीएसटी में, कुछ कुछ लोगों के रिफंड नहीं आ रहे हैं, इवन इफ आपने रिटर्न ठीक से भर दिया वो सस्पेंडेड है, आपका आईसी ही सस्पेंडेड है। तो ये 23 जनवरी 2020 को एक SOP आया था कि जिनका रिफंड नहीं आ रहा है वो अपने रेंज में जाएंगे और अपनी वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि इसमें कुछ फ्रॉड्स हो गए तो उसमें उन्होंने पूरा क्या क्या आपको देना है वो सारा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या वो डेटा मांगेंगे आपसे, और उसके बाद वो चेक करेंगे और फिर एक NOC देंगे, वो NOC DGRM को जाएगा, RMCC डिपार्टमेंट को जाएगा, फिर वो पोर्ट पे उस चेक को रेड अलर्ट को हटा देंगे और आपका जो रिफंड होगा वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है या आप खुद कोई एक्सपोर्टर है और आपका रिफंड नहीं आ रहा है, इवन इफ आपको लग रहा है कि आप रिटर्न ठीक भर रहे हो, तो हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम हो, आपको ऑनलाइन चेक करना होगा आपका आईसी कहीं ना कहीं सस्पेंडेड होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक भी नहीं आ रहा है। ये कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज हैं। भूपेंद्र जी कैन आई कंटिन्यू फॉर 5-10 मिनट्स? जी सर, जी कंटिन्यू करें, जी सर कंटिन्यू करें सर। तो बस ये कुछ 4 केस स्टडी हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस वैसे तो मैं ले चुका हूं, अगर सर लोगों का इंटरेस्ट 15 सर
तो जो अगर मैं पहले केस की बात करूं रीबॉक की, तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें ये है कि आपने कुछ एक्सपोर्ट करा, ठीक है, आईजीएसटी में आपने एक्सपोर्ट करा, 18% उस पर रेट था, और मीनू जी कह रही है अबाउट कंसल्टिंग सर्विस, मैम हम ना भी डिस्कस कर लेंगे जितने भी आपके क्वेरीज हो, कुछ भी हो, लेट मी बस कंप्लीट दीज फोर केस स्टडीज, उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन जो बच गए हैं वो ले लेंगे। तो रीबॉक में केस में क्या हुआ कि आपने आईजीएसटी पे एक्सपोर्ट किया 10 लाख रुपीज का अप्रैल में, रिफंड ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो गया जब आपने 3B और 1 फाइल करी, हाउएवर जो कस्टमर था उसने रिटर्न कर दी 2 लाख की नेक्स्ट मंथ में। अब इसमें क्वेश्चन आया कि इस पे क्या जीएसटी इम्प्लीकेशन आएगी, जो रीबॉक ने एक्सपोर्ट करा बाहर वो एक तरीके से वापस रिजेक्ट हो गया कुछ, तो उन्होंने माल वापस भेज दिया, तो इस केस में इम्प्लीकेशन क्या आएगी, आपको जीएसटी के एंगल से सेल में कुछ नहीं करना, रिफंड आप ऑलरेडी ले चुके हो, जब आप जो आपने जो गुड्स वो वापस करेगा जब आप उसको इम्पोर्ट करोगे एक तरीके से, तो आप उस पर भी टैक्स दोगे, तो उस केस में वो उससे सेट ऑफ हो जाएगा, तो आपको कोई जीएसटी की इम्प्लीकेशन एज सच कंपनी पे नहीं होगी, आई थिंक इट इज क्लियर। दूसरा केस क्या है कि जीरो रेटेड सप्लाई हुई है अलोंग सेम आईजीएसटी पे 5 लाख रुपए की और रिफंड ऑटोमेटिकली आ गया, बट जो हमने गुड्स वापस जो गुड्स हमने सेल करे उसमें कस्टमर ने रीनेगोशिएशन कर लिया और उसने कहा कि यार 5 लाख के बजाय 4 लाख का ये तरीके से जो वैल्यू है वो हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो रिफंड लिया है वो 5 लाख पे ले लिया है, आपने सरकार से ऑटोमेटिकली 18% रिफंड ले लिया सरकार से, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, एक तो कमर्शियल क्रेडिट नोट अपनी पार्टी को देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का ताकि आपका और उसकी बुक सेटल हो जाए, प्लस ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो हम बहुत बहुत बार जीएसटी ऑडिट में भूल जाते हैं या रिटर्न भरते टाइम ध्यान नहीं रखते, जो 18,000 है क्योंकि अब 5 लाख से 4 लाख हो गया, आपने सरकार से ऑटोमेटिकली रिफंड ज्यादा ले चुके हो, आपको DRC 3 या अपने रिटर्न में उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रैक्टिकली आपके अगर एक्सपोर्टर क्लाइंट होगी तो आपको वो ध्यान रखना है, जो आपसे हो सकता है मिस ना हो जाए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिकल केस 3 अगर मैं बात करूं, कंपनी ने एक्सपोर्ट्स करा 15 लाख का LUT पे करा, अब उसमें हुआ क्या कि जो एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन है वो मटेरियलाइज नहीं हुई 3 मंथ्स में, सेकेंडली एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज हो गई बट उसकी पेमेंट नहीं आई, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रूल 96A में ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर आप 3 महीने में ही एक्सपोर्ट नहीं करते तो फिर आपको जो उसका इंटरेस्ट है और टैक्स है वो देना पड़ेगा, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसका क्रेडिट नोट पास कर दो बिफोर 3 मंथ्स अगर आपने एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन आपका नहीं हो पा रहा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है कि ट्रांजेक्शन मटीरियलाइज हो गई है बट उसकी पेमेंट नहीं आई है, तो उस केस में आपको कोई रिफंड में कुछ नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एडवाइजेबल है कि आप उसकी पेमेंट ले पाए ले लीजिए, नहीं कर दीजिए, राइट, क्योंकि गुड्स के केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस के केस में इट इज मैंडेटरी कि आपको फॉरेन करेंसी में वो रिसीव हुए, क्योंकि एक्सपोर्ट की अगर डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि फॉरेन में पेमेंट आनी ही चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जिसमें वो सर्विस की बात कर रहा है, LUT पे रेज हुआ इनवॉइस 10 लाख रुपीज का और जो पेमेंट है वो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो उसमें बस यही रूल है सर्विस में कि आपको 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको पेमेंट आ जानी चाहिए, नहीं तो आपको वो जो टैक्स है वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके लिए कोई GST एकदम साइलेंट है कि सपोज करो आपको आपने पे कर दिया और उसके बाद पेमेंट आ गई, तो क्या आप उसको रिफंड फाइल कर पाओगे या एडजस्टमेंट कर पाओगे, सर्विस टैक्स में देयर वाज अ स्पेसिफिक प्रोविजन बट GST इसके लिए साइलेंट है। अल्टरनेटिवली कंपनी क्या कर सकती है, क्रेडिट नोट पास कर दे बिफोर 1 ईयर ताकि उसको इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन और जो टैक्स है वो देना ना पड़े, राइट। सो एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी नाउ एंड उसके बाद हम सेशन को कंक्लूड करेंगे।
भूपेंद्र जी एक ये चैट बॉक्स में है सर क्वेश्चन मीनू से है सर कैन आई आस्क अबाउट कंसल्टिंग सर्विस मीनू जी एग्जैक्टली क्या कंसल्टिंग सर्विस के बारे में पूछना चाहते हैं जी मीनू जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको अनम्यूट कर दिया Okay, thank you. What I want to know is this: if I am basically so far an NRI, but because I don't think I can leave India now, so I will be not NRI for the year. I feel you know this previous. If I you know take this year into account, 2021. So my question is this: if I am providing services. It's not an employment contract. If it's a contract, but not employment contract. And I provide services online from sitting here, but I'm providing it to a company, you know, which is outside India. Yes. So will I have to pay GST? Even if I am for both the cases, if I'm receiving payment in India or if I'm receiving payment outside India. So ma'am, first of all, you have to comply with section 24, which says that if you are exporting any kind of service or goods, you have to take GST registration. So right now you are in India and you are basically providing consultancy service to your company, which is in USA, right? So So you are basically providing a consultancy service, right? That qualifies an exporter service. So you don't have to pay GST on that. That is very clear. But in order to comply with the indirect tax rules of GST, you have to take GST registration and you have to file that return. Okay, so I just have to take GST registration, yes. But I do not have to pay. Even if it's more than 20 lakh for the year, I don't have to pay? No. So if you are exporting any value of service, whether it is a 1 rupee value or a 100 crore value, you have to take GST registration. That threshold limit of 20 lakhs won't apply, but there will be no tax. Okay, so I need to take GST registration ASAP before I start getting money, is it? Yes, certainly. Okay, I have to get GST registration in any which ways. What happens if I receive the money outside India? Then what happens? Then we can say that it is an advance or you have applied for the registration because in this COVID-19, that process will also take time because ultimately the officer has to approve that application. That is okay because I was so doubtful so I stopped that thing. I haven't received anything, but what I want to know is this: what if I you know do not get the money at all in India? Then it is fine. Then there is no proof na, that you have provided that service ideally na? Yeah, no proof. But if that is my only income and I am you know but if I am mentioning that at all other, you know, places there, if you are filing your resume or wherever that I'm, you're not doing this. So basically, I am not the income tax guy. I'm not the right income tax guy. But if you are an NRI or aap apni return bhar rahe ho, if you are filing your return in India, abhi NRI abhi. Last 1920 ke liye to NRI thi, but I think for 2021 I won't. Be NRI anymore. See, income tax guy don't know, but GST. No. I am not asking you about income tax. I'm just wanting to know about. You have to take registration. Yes. I have to take registration. If you don't receive any payment, then we can dodge. Then it is fine. You have not provided any services, or if you can show that I haven't. Know that. Yeah. Okay. Yeah. That is the simple. Okay, but I just have to. Okay, I just have to take the registration, but I don't have to make any payment, right? Yes, right. If you are into consulting. Yeah, that I mean,
I guess what else services, you know, it will be considered as consulting? Ma'am, I can see your agreement. Or... You have my number. You can connect me after the session. We can discuss. Okay, this number. Detail. Okay, yeah. Thank you. So overall, it is an export of service. Right now, analyzing your facts. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you, Minuji, for asking the question. And I think your query has been resolved. Thank you. And Minuji, one question I asked you, as an NRI, how do you feel about our GST? How do you feel about our GST Mahakumbh? It is very good क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि अभी मैं यही रहने वाली हूँ. So that is why I have started attending all the webinars and everything because I was so much out of touch. But I am liking it because I did read about, you know, I did listen to some of the lectures on GST, so I had some idea. So it is very good because, you know, if you are into that thing, that you know, that particular topic, then it's more interesting because then you understand it more because you are into it. So thank you Minu ma'am for such a wonderful feedback for us, and it will be more valuable for us. And thank you, and I'm so happy all these young people are coming and they are so good at it. Keep it thank up you, ma'am. Aditya, thank you, very ma'am. Good thank you. Now Aditya bhai, एक क्वेश्चन और है इधर एनके का, एनके टू एवरीवन. सर ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है. तो मैं चैट बॉक्स सेव कर दूं सर, ये आपको भेज दूं. सर आप एनकेजी, यू कैन, यू हैव माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी. यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स. मीनू का तो क्वेश्चन हो चुका है सर, एक मीनू का और है क्वेश्चन, और जयेश ठक्कर का भी सर बड़ा लंबा क्वेश्चन है. हालांकि सर ये चैट बॉक्स का साइज थोड़ा छोटा है तो वैसे लंबा दिख रहा है, हालांकि एक दो लाइन का ही होगा. कोई नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. पानीपत ब्रांच ने हमें बुलाया, पूरा जवाब देके जाएंगे. जयेश का सर एक क्वेश्चन ले लो. इफ जीएसटी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएरी सर्विसेज, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई दैट टू बी रिपोर्ट इन जीएसटीआर 1. आई थिंक जीएसटीआर 1 इज नॉट गेटिंग प्रोसेस्ड विदाउट प्लेस ऑफ सप्लाई. सर उस केस में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, आईजीएसटी वो लेगा नहीं. इस पे एक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग भी आई हुई है, मैं आपको, आप मेरे को अगर पिंग करेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा. उसमें उन्होंने क्लियर व्यू ले लिया. आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं जी. और बस एक लास्ट में शायद दैट क्वेश्चन गोस टू इनकम टैक्स, तो चला गया सर इनकम टैक्स. और सर इनकम टैक्स मत पूछो सर, हमें कुछ नहीं आता इनकम टैक्स. कोई बात नहीं सर. आदित्य जस्ट अकेले में बताना चाह रहे हैं. अच्छा ओके, बेस्ट थिंग अबाउट टुडे वेबिनार स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक टू नो. सर देखो कमेंट भी इतने अच्छे अच्छे आ रहे थे भाई, यू कवर द, आपने मौका दिया सर. सर ब्रांच ने, मैनेजिंग कमेटी ने डिसाइड किया. और थैंक यू आदित्य भाई, और हमारे साथ अजय जी कंटिन्यूसली बने रहे एनआईआरसी मेंबर, और हमारे ब्रांच के चेयरमैन देखिए सर थम्स अप कर दिया उन्होंने, ठीक है. वाइस चेयरमैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. अजय जी इट्स ओवर टू यू सर, हाउ वाज द सेशन? गुड गुड, नाइस प्रेजेंटेशन भाई आदित्य. ही द अपकमिंग कहते ना स्टार सर, राइजिंग स्टार इन द एनआईआरसी मोर देन सर. अजय जी मैं एक और बात बताना चाहूंगा सर, जैसे अभी ना राइट हम 6 बजे से ज्यादा टाइम हो गया है, और पहली बार ऐसा हो रहा है इस सीरीज में और शायद पहले भी कि मोर देन 40 अराउंड 50 के आसपास जो है मेंबर जुड़े हुए हैं अभी तक. अदरवाइज पहले तो क्या होता था सर, 6 बजे तक तो ना 27-25 इतने रह जाते थे. और लेकिन ये करिश्मा देखिए सर आदित्य जी का, और सर इनकी पर्सनालिटी सर गजब का नॉलेज है. जब आदित्य जब बोल रहा था कि राह में चलने के साथ ही मिलता रहेगा, तो मैं उसकी बड़े क्वेश्चन करना चाह रहा था आदित्य से, किस साथी की बात कर रहा था आदित्य, ये तो बता दो भाई मेरे को. सर वो वाला साथी नहीं है वो. नहीं, ऐसा है, अकेले ही चलना है सर मुझे तो, अकेले ही चलना है अभी. अकेले चलने की दुनिया नहीं चलती ना सर, सही समय आएगा अभी, वो सही समय नहीं है अभी.
अच्छा कोविड के बाद अरे कर लेना। हाँ बिल्कुल सर, आपको तो आना ही है, सबसे पहले आपको बुलाएंगे, पूरी ब्रांच को बुलाएंगे। आदित्य भाई एक ना एनकेजी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो एक सेकंड मैं एनकेजी को म्यूट कर देता हूँ। एनके जी आप उधर से म्यूट कर लीजिए। हाँ जी एनके जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपका नाम है ना एनके आ रहा है, सॉरी हम आपको पूरा नाम बता रहे हैं। नहीं ठीक है सर, कुमार नाम है मेरा। ओके थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक क्लाइंट है, वो इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने पे जो फ्रेग्रेंसेस पे जो कस्टम का रेट और जीएसटी का जो रेट लगता है अराउंड 18% के आसपास लगता है, और किसी किसी पे 28% लगता है, और जो उनका सप्लाई है वो 12% में टैक्सेबल होता है। ठीक है, ड्यू टू इसकी वजह से उनके पास जो आईटीसी एक्युमुलेट बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो क्या हम इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आपका आपका जो सेल है आपका 12% है, और जो जीएसटी का रेट है वो क्या है? कस्टम का रेट सर 28% है कहीं पे और 18% नहीं, जीएसटी का रेट क्या है? जीएसटी का आउटवर्ड का रेट 12% है, इनवर्ड इनवर्ड पे कस्टम लगता है ना सर? नहीं नहीं देखो, आपका जो कस्टम्स है, कस्टम्स का तो वो आपकी कॉस्ट बन जाती है, तो कस्टम्स का तो आपको वैसे भी रिफंड नहीं मिल सकता। आपको मैंने बताया था इंपोर्ट में कस्टम जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी, दैट इज योर कॉस्ट। अगर आपका जो जीएसटी का रेट इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है कि आप सपोज कोई आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसके लिए आप प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं वो 28 पे है या 18 पे है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है सपोज सोलर का वो 5 पे है या 12 पे है, तब आप रिफंड ले सकते हैं, एल्स नहीं ले सकते। इसमें जो कुछ प्रोडक्ट आते हैं वो 18% में आते हैं, बाकी 5-5% वाले आते हैं, बट फिर आप ले सकते हो, कैलकुलेशन करानी पड़ेगी, वो रूल में डिफाइंड है, आप उसका ले सकते हो, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कैलकुलेशन, वो आप ले सकते हो। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Now I am forwarding to our branch vice chairman CA Manpreet Singh Gambhir ji. He joined later, जब थोड़ा सा शुरू हो गया था तब सर उन्होंने join किया। Manpreet ji, over to you sir. Vice chairman. और sir आज इनका जन्मदिन भी है, happy birthday Manpreet ji. Hello sir. Happy birthday Manpreet ji. Thank you. May God bless you sir. Thank you sir. Thank you very much. Thank you, Vinder ji. Thank you. And, Aditya ji, sir, Thank you. Hello. Audible, sir? Audible? Audible. Hello. आवाज आ रही है मनप्रीत? सर आदित्य जी आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आई विल थैंक टू द राकेश गर्ग जी जो अब अवेलेबल नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर जीएसटी जो स्टार्टिंग में हमारे साथ थे, फिर कुछ टाइम के बाद वो जैसे सब ऑफिसर हैं दे हैव टू बी इन देयर ओन टीम, वर्क में बिजी हो गए होंगे। हमारे एनआईआरसी में सेक्रेटरी अजय सिंगल जी जो हमारे साथ जुड़े रहे पूरे वेबिनार में, आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच एंड आवर गेस्ट स्पीकर। अब गेस्ट स्पीकर कहना बंद कर देना चाहिए हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारे पैनलिस्ट और स्पीकर आदित्य जी जो एक्चुअली सर हमारी सिटी का ना बहुत बड़ा एरिया जो पोर्शन है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है। बिल्कुल सर, मेनी ऑफ द आवर प्रोफेशंस बेसिकली कभी कभार फेस करते हैं द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कस्टम्स, हमारी क्लियरेंसेस को रिलेटेड, उनके रिफंड्स को रिलेटेड। बिल्कुल सर, तभी जो मेरा आज पर्पस था ना आपको एईओ के बारे में बताने का, मैं कहीं पे भी नहीं बोलता ये चीज, स्पेसिफिकली मैंने यहीं पे बोला क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए एप्लीकेबल। हमने बेसिकली जो ये महाकुंभ के अंदर आज टॉपिक बनाया दैट मतलब फिट बैठता है हमारी इंडस्ट्री को, एंड आदित्य जी हैज डेलिबरेटली हमारे लिए जितनी हेल्पफुल आपने अपना डेलिबरेशन दिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सी क्वेश्चन आपने ली है, बहुत सी आप बाद में भी लेते रहेंगे, और आपने पहले ऑन इन द ट्रॉट भी आपने ली है, हम भी आपको परेशान करके आपसे क्वेरीज लेंगे सर। ऐसी बिल्कुल लीजिए सर, मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। अजय सिंगल जी सर, सेक्रेटरी साहब ने हमें बहुत देर तक ज्वाइन किया, अभी भी ज्वाइन थे, अब चले गए शायद। नहीं सर, ज्वाइन है। सुरेश जी
सर जिन्होंने जिनकी गवर्नेंस में जिन हमें मतलब हमारी टीम को उन्होंने पूरी ऑथराइजेशन दे रखी है कि वेलफेयर के लिए जितना काम कर सकते हो धन्यवाद है मतलब इसके लिए कोई वर्ड हमारे पास भूपेंद्र की तो अपनी मेहनत है ही है सुरेश जी की भी अथॉरिटी देने की सर मेहनत भी तभी होती है मेहनत तभी सर ये सारा टीम एफर्ट है हाँ बिल्कुल मैं तो आपके साथ जुड़ा ही हूँ मैं तो सर जुड़ा ही हूँ आप जहाँ हूँ मैं तो कल सुबह मैं जब जा रहा था ट्रेवल करने से पहले मैंने सुबह पहला वेबिनार पूरा यूट्यूब पे देखा अपने पेज पे मैंने पूरा वॉच किया है आंचल जी का और अब मौका लगेगा तो सर आगे के भी दो देखने हैं तो मैं देखूंगा पर अपने वेबिनार मैंने मिस किए मुझे भी अफसोस हो रहा है पर आई वुड वॉच ऑन द यूट्यूब आदित्य जी आप भी जरा रिकमेंड कीजिएगा हमारे यूट्यूब व्यूअर्स पढ़ने चाहिए बिल्कुल बिल्कुल जी तो मैं प्रमोट करता रहता हूं सब्सक्राइबर बढ़ाओ जी सभी से रिक्वेस्ट है यहां पर कि वो पानीपत ICAI चैनल जरूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मेंशन कर देता हूं सर यूट्यूब पेज और नाउ आई जस्ट फॉरवर्ड टू आवर ब्रांच चेयरमैन सुरेश नंदवानी जी कि वो एक वोट ऑफ थैंक्स जो है क्योंकि वो हमारे ब्रांच की जड़ है और उन्हीं से चेतना है हम सभी के अंदर जी सुरेश जी थैंक यू मनप्रीत जी थैंक यू भूपिंदर जी अजय अजय जी अभी जुड़े हुए क्या चले गए कहीं नहीं सर जुड़े हुए मैंने बताया तो वो अभी नहीं अभी जब पूरा प्रोग्राम करवा के जाएंगे सर अजय जी वो एक बार कह के चले गए ना फील नहीं आ रहा कि वो ज्वाइन भी है कि नहीं अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें आज ज्वाइन करा और आपका मार्गदर्शन हमेशा ही हम चाहेंगे और नए नए टॉपिक पे और इसके अलावा मैं आदित्य अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा तो मेंबर्स जो हमारे पानीपत इंडस्ट्री है वो स्पेशली इसी से जुड़ी हुई है कि उनका काम भी है और एक्सपोर्ट भी है हमारे जितने भी मेंबर्स हमारी इंडस्ट्री से जुड़े उनको काफी बेनिफिट हो रहा होगा इस आज के सेमिनार से थैंक यू चेयरमैन सर थैंक यू वाइस चेयरमैन सर और अजय जी कुछ दो शब्द लास्ट में कुछ कहेंगे सर आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो नीचे कम नहीं हुआ ना 2 लाख उसमें ऐड वो कम नहीं हुआ अजय जी शायद प्राइवेट डीलिंग कर रहे हैं आप सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी जी आदित्य भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच सर प्लेजर सर प्लेजर बिल्कुल इतनी आराम से ना मतलब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ना हमने ज्यादातर बड़ी हाई फाई लैंग्वेज में सुना है जितने तरीके आराम से उन्होंने मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कूल डाउन थी ना इतना कूल डाउन टॉपिक नहीं है जी मैं वही तो कह रहा हूँ की टॉपिक तो हॉट है लेकिन बड़े कूल माइंड सेट से सर ने कवर किया आदित्य भाई ने और जब जब भी हमें आदित्य की जरूरत पड़ी आदित्य ने कभी हमारे को ना नहीं किया बल्कि इन्होंने हमारा साथ दिया आगे पूरा प्रोग्राम करने में और ये आदित्य अब ऐसा लगता ही नहीं है कि आदित्य जी जो हैं वो बाहर से आप एक तो मेरे को जी बोलो ही मत सर आप मेरे को आदित्य बोलो मैं आपका छोटा भाई हूँ जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी कुछ भी मैं अगर करा पाया तो मैं कर पाऊंगा अगर मैं कर पाया तो थैंक यू सो मच आदित्य भाई थैंक यू सर थैंक यू एवरीवन हियर जो You are connected here और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे इस महाकुंभ का महा हिस्सा बनने जा रहे हैं और कल सर हमारा जो 5th वेबिनार है इस महाकुंभ का GST on professional services by CA नव्वे मल्होत्रा जी और नव्वे की और आदित्य की जोड़ी सभी जानते हैं कि बड़ी फेमस जोड़ी है अभी इन्होंने बठिंडा में मेरे को लगता है एक वेबिनार किया है आज कल में ये धर्मवीर की जोड़ी है सर इनकी ठीक है सर ये तो आज ये आए हैं इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि आज मैं जाऊंगा तो कल तुम्हें आना है ऐसा है ना सर ये जैसे आदित्य भाई कहते मैं पहले देख आऊं ठीक ठाक है कि नहीं फिर आप आ पहले क्या था पहले शेड्यूल था आदित्य भाई का सैटरडे को और देखिए संयोग वश क्या हुआ कि अचानक से
दूसरे से पिक कर चाह रहे थे कि मतलब अरे सर ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ना, थोड़ी पर्सनल बात है, बट ठीक है, अब तो लोग मेंबर्स कम हो गए हैं, आप तो सर सारे पर्सनल मेंबर ही बचे सर शुरू में क्या था कि मैं तो आर्टिकल शिफ्ट में ही नव्य के साथ हूँ हम दोनों, तो हुआ क्या, मैं घर पे बोलता था कि मैं नव्य के साथ जा रहा हूँ, मैं नव्य के साथ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो मेरे घर वाले कहते थे यार ये कौन सी लड़की है यार पूरे दिन इसके साथ ही घूमता रहता है। मेरे को भी यही कहना था, हमने यही बोलना था, कोई नहीं, कल बात करेंगे उनसे, बात करेंगे कल कलोनी का वेबिनार। हां तो बात तो नहीं बोला कि आदित्य भाई लड़का है, सीए मुकेश शर्मा जी हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं आपकी तारीफ में। मुकेश भाई आप अनम्यूट करिए एक बार, मुकेश भाई अनम्यूट कर दो, मुकेश अनम्यूट कर लो एक बार आप उधर से। हाँ जी मुकेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, हैं आप सिर्फ फंसना चाह रहे थे बस आगे दिनों पे बात पे। अच्छा कोई नहीं सर कल डिस्कस करना आप उससे जरूर धन्यवाद।